हेलो स्टूडेंट, मैं बिजेंद्र पटेल, टीम सीएलसीसी का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका जेई मेन का मेजर 2 है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, उसको सिलेबस को ध्यान में रख के ये पेपर बनाया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द फाइंड द नेट डेविएशन प्रोड्यूस इन द इंसिडेंट रे फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शोन इन फिगर, टेक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल एज 2। तो बच्चों, ये हम लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, एक तो इधर ये प्लेन मिरर है और ये प्रिज्म है, ठीक है। तो अपने लोगों को पहले डेविएशन के बारे में बात करनी, कितना डेविएशन होगा टोटल। तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि डेविएशन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो एक तो रेज यहाँ से जा रही है, फिर ये इधर घूमी, तो यहाँ पे एक डेविएशन होगा। अब यहाँ पे जो ये रेज है, ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे तो कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे आएगी। अब जैसे ये रेज इस मीडियम से इधर आएगी, ठीक है, तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें एन इक्वल टू 2 दे रखा है, और इधर क्या है, एयर है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया और इधर ये रेयरर मीडियम हो गया। तो अगर रेज डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगी, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो अपने लोग अब चेक करते हैं, एक तो डेविएशन यहाँ आएगा और एक डेविएशन यहाँ आएगा, तो इसको तो मैं लिख दूंगा डेल्टा 1 और इसको लिख दूंगा डेल्टा 2, दोनों को ऐड करना है, देखते हैं कौन सा क्लॉकवाइज होगा कौन सा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आगे देखते हैं, देखो तो इसका डायग्राम बनाते अपन लोग। जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये रेज इस पे इंसिडेंट हुई, तो ये एंगल हमें दे रखा है कितना, 30 डिग्री। अब हमें ये पता है जो प्लेन मिरर है ये रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर ये 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो ये 60 डिग्री पे ही वापस जाएगी, तो ये एंगल कितना हो गया, ये टोटल एंगल हो गया यहाँ पे, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, इधर एक प्रिज्म दे रखा है इस तरीके से, और ये एंगल है हमारे पास, ये एंगल जो दे रखा है ये कितना दे रखा है हमें, 6 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब ये रेज इस पे नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है यहां। अब जैसी रेज ये यहां से इस तरफ आएगी तो इधर डेविएट होने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये डायग्राम होगा इसमें, तो हम लोग चेक कर लेते कहां कहां पे डेविएशन आया। तो पहले इस वाले डेविएशन को मैं बोल देता हूं डेल्टा 1, ठीक है। यहां पे ये टोटल कितना डेविएशन होगा, ये एंगल होगा इसका डेविएशन, तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास, ये डेल्टा 1 हो गया, ये कितना आएगा। अगर ये रेज सीधे निकल जाती तो कोई डेविएशन नहीं था, मगर ये इधर घूम गई, ये कितना डेविएशन आएगा हमारे पास, 180 टोटल एंगल होगा यहां से यहां तक, इसमें से 60 और 160 और हो गया, तो 2 × 60 ये डेविएशन आएगा हमारे पास। तो डेल्टा 1 जो आ गया वो तो हमारे पास कितना आ गया, 180 माइनस का 120, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये इधर ऐसे घूम रहा है तो क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज आ गया हमारे पास, ठीक है। एक कंफर्म हो गया कि हमारे पास डेल्टा 1 कितना आ गया, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इसको चेक करते हैं, अगर ये एंगल 6 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल जो आएगा हमारे पास ये 84 डिग्री आएगा, ठीक है। इसको मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूं, ये प्रिज्म है अपना, तो ये एंगल तो 6 डिग्री है, ये रेज ऐसे आ रही है और यहां से ये इस तरीके से डेविएट होती है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ये एंगल हो जाएगा 84 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 6 डिग्री, ठीक है। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें एन दे रखा कितना, 2, तो अब इसमें इसने लॉ लगा सकते हैं, मगर हमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें जो एंगल दिया हुआ है वो बहुत छोटा दिया हुआ है, तो इसने लॉ लगाते हैं, इसको पॉइंट ए बोल देता हूं मैं। तो अगर आपने इसने लॉ लगाया तो इसको बोल दो एन वन और इधर बोल देते हैं एन टू, तो लिखा जाएगा एन वन आई इक्वल टू एन टू इंटू आर, ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिखो एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर। अगर एंगल बहुत छोटा है तो एंगल अगर छोटा होता तो उसमें क्या लिखते हैं अपने लोग, जो साइन आई होगा उसको अप्रोक्सीमेट आई मानने चलेंगे और साइन आर को आर मानने चलेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना आ गया 2 × 6, एन टू हो गया 1 और आर आ गया, तो आर की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, 12 डिग्री आ गया, क्लियर है। तो यहां पे हमारे पास अगर ये रेज सीधे ऐसे आ रही होती तो कोई डेविएशन नहीं होता, ये एंगल हो गया हमारे पास आर, तो ये एंगल हो गया आई, तो ये डेविएशन हुआ, ये कितना हुआ हमारे पास डेल्टा 2। अब डायरेक्शन चेक करते हैं, तो डायरेक्शन कैसे आ रही है इधर, तो कैसे होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो डेल्टा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास आर माइनस आई, कितना आएगा डेल्टा 2, आर हो गया 12 माइनस 6, तो डेल्टा 2 जो आ गया ये आ गया 6 डिग्री आ गया, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज आ गया, क्लियर है।
तो हमें नेट डेविएशन लिखना है। नेट डेविएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू को ऐड करना है, मगर साथ में हमें ध्यान रखना है डायरेक्शन का कि एक क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज है। तो नेट डेविएशन लिखते हैं डेल्टा नेट, तो डेल्टा वन और दूसरा तो माइनस हो जाएगा डेल्टा टू, क्योंकि ये क्लॉक वाइज है और दूसरा एंटी क्लॉक वाइज है। तो कितना हो गया 60 माइनस का 6 डिग्री इक्वल टू 54, और कैसे आएगा हमारे पास नेट क्लॉक वाइज आएगा। ठीक है, तो ये अपना होगा, आंसर चेक कर लेते हैं। तो पहले का आंसर आएगा हमारे पास 4 आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो पहले का आंसर हो जाएगा 4th। दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन बोला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। एक रिलेशन हमें दे रखा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट ऐसे वेरी हो रहा है टाइम के साथ। तो हमसे पूछा गया देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब हम लोग ये जानते हैं अगर किसी पार्टिकल का हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को अगर मैं लिखूं तो वो कैसे लिखा जाएगा, बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप लोगों को करना क्या, इस वाली इक्वेशन को सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है। तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लिख लो। वन का जो डिफरेंशिएशन वो जीरो हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस बी टी का ई की पावर माइनस बी टी होगा, फिर माइनस बी आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इतना बचेगा के बी, और ये आ जाएगा बी ई की पावर माइनस डी टी, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, के ई की पावर माइनस डी टी। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी, सिंपल सा है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और हमें वेलोसिटी पूछिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेलोसिटी, तो ये हमारे पास रेट हो गया डिस्प्लेसमेंट का, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन बोला लाइट्स ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज व्हिच फोटोन हैव एनर्जीज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली सक्सेसफुली इल्यूमिनेट ए मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंपल सा है, इसमें ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमें इक्वेशन याद है वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है मैक्सिमम वो क्या होगी हमारे पास, एच न्यू माइनस का फाइव नॉट। ये क्या होता है हमारे पास, इंसिडेंट एनर्जी होती है, इंसिडेंट लाइट होगी हमारे पास, और ये क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। तो ये वाला फार्मूला हमें लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, तो हमें क्या, देखो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चलेंगे, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखोगे यहाँ, इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखोगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें रखते हैं हम लोग, हमसे पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 mv max² = h(nu-5)0। ये वाली इक्वेशन हमें लगानी है। अब दो केस दे रखे हैं तो दो बार इसको लिखना है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, पहले 1/2 mv1 max 1/2 mv2 max = तो h nu 1, ये टोटल हमें एनर्जी दे रखी है h nu, ये कितना दे रखा है हमें 1, तो इसको आप लिख लो 1, और दूसरा कितना हो गया 0. जो इसका वर्क फंक्शन हमें दे रखा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा हमें कितना दे रखा है 2.5 माइनस का 0.5, ठीक है। ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो b1 / b2 मैक्सिमम का स्क्वायर बचेगा हमारे पास, ठीक है। और इधर कितना बचेगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 0.5 और ये आएगा 2, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा b1 मैक्स b2 मैक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब इसका अपने लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा स्क्वायर रूट लेने के बाद, 1/2, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला था गिवन फिगर शोज द वेवफॉर्म ऑफ टू इनपुट्स ए एंड बी एंड दैट ऑफ एंड दैट फॉर द आउटपुट वाई ऑफ ए लॉजिक सर्किट, द लॉजिक सर्किट इज। तो इसमें हमें दो इनपुट दे रखे हैं ए और बी, और इसका हमें आउटपुट दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर मान लो कहीं पे जो वेव फॉर्म है, अगर वो उसका जो वेव फॉर्म है वो उठती है, तो वहां पे आएगा लॉजिक 1, ठीक है, और इस तरीके से रहती है, हॉरिजॉन्टल कुछ चेंज नहीं आएगा, तो उसको मानेंगे हम लोग 0 लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया 0, ये आ गया 1,
ये जीरो आएगा और फिर ये बनाएगा, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, जीरो, फिर जीरो है, फिर जीरो है, फिर वन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब इसमें बोला गया कि ए और बी जो है ये तो इनपुट है, ये क्या हो गया इनपुट फर्स्ट, और ये क्या हो गया हमारे पास इनपुट सेकंड, और ये हो गया आउटपुट, ठीक है। तो इसकी हम लोग टेबल बनाते लोग क्या क्या आउटपुट आता है इसको यही बना लेते हैं, इधर लिखा मैंने इनपुट ए बी और आउटपुट आ गया वाई, ठीक है। जो जैसे जैसे वेवफॉर्म दिए उसको सिंपल सा लिखना है, आउटपुट लिखना है। तो पहले जीरो जीरो है तो आउटपुट कितना मिल रहा है जीरो, ठीक है। इनपुट जीरो जीरो, आउटपुट आ गया जीरो, यहां पे चेक करा हमने तो ये आ गया इनपुट जीरो, यहां है वन और फिर आउटपुट आ रहा है जीरो। फिर हमने दूसरा चेक करा, फिर आ गया वन, फिर आ गया जीरो, और ये कितना हो गया हमारे पास आउटपुट आ गया जीरो। फिर हम लोगों ने चेक करा वन वन और ये आ गया वन, ठीक है। सिंपल सा ये हो रहा है कि अगर जब हमारे पास दोनों इनपुट हाई है तभी आउटपुट हमें हाई मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई भी एक जीरो या कोई एक हाई है या दोनों जीरो है तो आउटपुट रह रहा है जीरो, मतलब आउटपुट जीरो, आउटपुट हाई नहीं रहा है। तो वो क्या होगा, हमारे पास एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर दोनों इनपुट हाई है तभी आउटपुट आना चाहिए वरना नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा, ये एंड गेट हो गया, ठीक है। इसमें भी आउटपुट जीरो है, यहां भी आउटपुट जीरो, यहां भी आउटपुट जीरो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एंड गेट है। कौन सा है, एंड गेट है ये, एंड गेट है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए चाइल्ड पुल्स ए टॉय ट्रेन हैविंग टू कैरिज विद ए फोर्स ऑफ 1.5 न्यूटन एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इन ए वर्टिकल प्लेन एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग द कैरिज। देखो ये डायग्राम में दे रखा, तो इसमें टेंशन हमसे पूछी है, ठीक है। अब इसमें फ्रिक्शन की तो कुछ बात करी नहीं है, तो हम लोग उसको फ्रिक्शन लेस मानेंगे, ठीक है। तो हमें एफ दे रखा है यहाँ पे, एफ कितना दे रखा 1.5, तो इसके लिए जो मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो ये होगा, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, एफ कॉस 30 आएगा, ठीक है। और टोटल मास कितना हो जाएगा इसको इधर लिख लेते हैं, ये इस तरीके से है, एक ये है और ये रोप है या स्ट्रिंग है जिससे ये बंधे हुए हैं, और इसको इधर फोर्स लग रहा है हमारे पास कितना, एफ कॉस 30, एफ की वैल्यू हमें दे रखी है, एफ हमें कितना दे रखा है 1.5 न्यूटन, तो ये कितना हो गया 1.5 कॉस 30 कितना हो गया अंडर रूट 3/2, ठीक है। इसका मास कितना दे रखा है हमें 40 और 20 ग्राम, ये 40 ग्राम है और ये 20 ग्राम है। तो हम लोग पहले नेट एसिलेशन अगर लिख लें इसका, ये भी ए एसिलेशन से चलेगा तो ये भी ए एसिलेशन से चलेगा, यहां पे टेंशन टी होगी, यहां पे सेम रोप है तो टेंशन भी सेम होगी। तो हम लोग लिखते हैं इसे, पहले एसिलेशन लिखते हैं, तो ए जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, एफ मास, इसको एम वन बोल देता हूं, दूसरे वाले को एम टू बोल देते हैं, ये एम वन है ये एम टू है, तो ए आ जाएगा हमारे पास एफ कॉस 30 डिवाइड बाई, अब ये ग्राम में दिया हुआ है और इधर फोर्स न्यूटन में दिया हुआ, तो इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 40 + 20 = 60 ग्राम, और इसको कन्वर्ट करोगे आप केजी में, तो ये हमारे पास एसिलेशन आएगा, और ये किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब अगर हम लोग इस वाले का डायग्राम बनाए 20 ग्राम वाले का, तो इधर एक फोर्स लग रहा है इसमें टेंशन, और वही इसको एसिलेशन दे रहा है, ये कितना है 20 ग्राम, तो इसको खींच कौन रहा है, ये टेंशन ही खींच रही है, तो इसमें फोर्स लगा सकते हैं हम लोग F equal to ma, तो हम लोग लिखेंगे F net equal to, यहां पे लिख देते हैं ma, तो F net इसमें कौन है T, मास है 20 ग्राम, 20 × 10⁻³, एसिलेशन कितना है F cos 30 डिवाइड बाई 60 × 10⁻³, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे ये 1/3 बचा, तो T की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 1.5 × √3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1.5 × √3, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं,
तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 0.43। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड 0.43 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है ऑप्शन इसका। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए ब्लॉक b ऑफ मास m2 एंड दीज टू रेस्ट ऑन ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस c। a एंड b आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग पासिंग अराउंड ए फ्रिक्शनलेस पुली फिक्स्ड टू ए वॉल। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इज μk। कैलकुलेट द फोर्स f अप्लाइड ऑन व्हिच मे मूव a एंड b विथ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म स्पीड बोली गई है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो दो सरफेस है, इसमें बोला काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस कितना है μk। तो हम लोग पहले सरफेस देखते हैं कहां कहां पे सरफेस है, कहां पे फ्रिक्शन रहेगा। तो एक तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस यहां पे फ्रिक्शन रहेगा और एक यहां फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। और इसका मास कितना दे रखा है m1 और इसका दे रखा है m2। तो इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये इस तरीके से है, और इधर ये पुली लगा रखी है, इससे ऐसे ये रोप कनेक्टेड है, इस पे फोर्स लग रहा है f। एक तो ये सरफेस है, यहां पे फ्रिक्शन लगेगा और एक कॉन्टेक्ट सरफेस ही है, तो दो फ्रिक्शन एक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे होगी, ठीक। तो फ्रिक्शन देखते हैं हम लोग, अगर ये ब्लॉक इधर चला, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इधर जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको रोकेगा। तो यहां पर तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, इसको मैं बोलता हूं एफ के टू, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन दूसरे सरफेस पर लग रहा है, ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक की बात करें, जैसे ये इधर चलने की कोशिश करेगा तो इसमें एक टेंशन आएगी इधर टी, इधर टेंशन, और सेम रोप है तो टेंशन भी सेम रहेगी, तो ये टेंशन इसको इधर पुल करने की कोशिश करेगी, तो M1 पे जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का वो तो लगेगा इधर, ठीक है। तो देखो M1 के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा, इस पे एक तो फ्रिक्शन लगेगा F K1, इधर टेंशन आएगी T, ठीक है, ये M1 के लिए आ गया, ठीक है। एक नॉर्मल एक्शन आ जाएगी N और M1G, इसकी नॉर्मल एक्शन लग देते हैं N1। N1 नॉर्मल एक्शन कौन लगाएगा, जो M2 सरफेस M2 है वो लगाएगा इसके। तो अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इसमें क्या लिखा गया है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन कब नहीं होगा, जब इस पे नेट फोर्स क्या हो, अपना जीरो हो। तो नेट फोर्स N1 तो mg को बैलेंस कर लेगा, और जो t होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, fk1। तो नेट फोर्स अगर लिखे तो t इक्वल टू आ जाएगा fk1 या μk m1g, ठीक है। ये मैंने सीधे फार्मूला लिख दिया, इसको आप क्या लिखोगे, म्यू के इंटू एन वन, एन वन की वैल्यू कितनी है एम जी, ठीक है। तो ये टी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग बात करते हैं एम टू की, एम टू के लिए अगर डायग्राम बना है तो एक तो फोर्स लग रहा है इस पे एफ, एक फ्रिक्शन लगा इधर एफ के वन, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और ये लगा एफ के टू, एक लगी टेंशन टी। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो अर्थ लगाएगी इस पे नॉर्मल रिएक्शन, या जो जिस सरफेस पर रखी है वो लगाएगा इसको एन टू, एक एक्ट करेगा एन टू जी, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इसमें कौन सी एन वन, ठीक है। तो देखो लिखते हैं इसके लिए, तो एन टू जो आएगा वो आ जाएगा एन वन प्लस एन टू जी, या एन टू की वैल्यू आ जाएगी एम वन जी प्लस एन टू जी, ठीक है। अब जो N2 का वो किसके साथ आएगा, FK2 के साथ आएगा, तो आपने FK2 का फॉर्मूला लिखा म्यू के N2, तो ये कितना आ गया हमारे पास म्यू के M1 प्लस M2 इंटू जी, ये आ गया हमारे पास। अब फिर हमें ध्यान रखना, इसमें बोला क्वेश्चन की है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो इस पे भी नेट फोर्स कितना जीरो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब जितना नेट फोर्स इधर लग रहा है उतना ही नेट फोर्स इधर लगना चाहिए, ठीक है। या ये बोले जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगेगा, तभी नेट फोर्स पे कितना आएगा, जीरो, क्योंकि इसने तो इसको बैलेंस कर लिया, तो एफ को कौन बैलेंस करेगा, एफ के वन टी और एफ के टू। तो लिखते हैं
एफ जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एफ के वन प्लस टी प्लस एफ के टू, बस वैल्यू पुट करनी है। तो एफ के वन की वैल्यू कितनी हो गई म्यू के एम वन जी, टी की वैल्यू यही है म्यू के एम वन जी प्लस इसकी वैल्यू आई हमारे पास म्यू के एम वन प्लस एम टू इंटू जी। अब देखो इसमें क्या एम वन वाला टर्म जो है वो एक साथ ले लेते, तो एक बार यहां एक यहां यहां तक, तो ये कितना आ जाएगा थ्री म्यू के एम वन प्लस म्यू के एम टू जी, या इसको ऐसे लिख लो म्यू के जी को कॉमन ले लो, तो यहां आ जाएगा थ्री एम वन प्लस एम टू। तो ये आंसर आना चाहिए हमारे पास, क्योंकि इसमें बोला गया यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो करना है, तो चेक कर लेते हैं इसे म्यू के थ्री एम वन प्लस एम टू, तो आंसर कौन सा आ जाएगा और जी, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा बच्चों इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन बोला ए बॉडी ऑफ मास एम ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी बी इक्वल टू के एक्स की पावर 5 बाय 2 वेयर के इज ए कांस्टेंट द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एक्स तक, मतलब जनरल पोजीशन तक हमें बात करनी है, ठीक है। तो देखो अपने लोग क्या करें, जो इसमें वेलोसिटी हमें दे रखी है वो कितनी हमें दे रखी है के एक्स 5 बाई 2, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे हमें निकालना है वर्क कितना होगा, तो हम लोग इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि वर्क डन बाय टोटल वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या डेल्टा के। तो इसको क्या लिखोगे आप, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इधर लिखा हम लोगों ने। तो टोटल वर्क डन जो आ जाएगा वो कितना होगा 1/2 हाफ m b फाइनल 1/2 हाफ m b इनिशियल या 1/2 m b फाइनल स्क्वायर b इनिशियल स्क्वायर, ये हमको दे रहा, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, हमें दे क्या रखा है b इक्वल टू x की पावर 5/2, तो जब x इक्वल टू 0 है यहां पे तो b इनिशियल कितना हो जाएगा 0, जब x की वैल्यू इन्होंने जनरल x हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये k x की पावर 5/2 b, तो ये वैल्यू यहां पुट करनी है। लोग बने रखते हैं इसे, क्या बनेगा wt आ जाएगा 1/2 m, तो ये तो 0 हो गया, ये कितना बचेगा k x की पावर 5, तो वर्क डन आ गया m k x की पावर 5/5, ये बना हमारे पास। अब इसमें पूछा क्या गया वो चेक कर लेते हैं हम लोग। बोला गया है द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x तक हमें बताना है किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वहां पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है m k x की पावर 5/2, तो हम लोग बोले कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 5, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 8 है पावर सप्लाई टू ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg वेरीज विद टाइम एस पी टी क्यू, एक पावर हमें दे रखी है जो ऐसे वेरी कर रही है टाइम के साथ, और टाइम हमें सेकंड में बता रखा है। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 इज 0 देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज एट टी इक्वल टू 4, तो बच्चों इसमें हमें पावर दे रखी है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और हमें टाइम के साथ में इसमें यह बताना है कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप लोग एक बात जानते हैं जो पावर का फार्मूला होता है वो कितना होता है एफ डॉट बी होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एफ को चेंज कर सकते हैं, एफ को अगर मैं लिखना चाहूं तो एफ इक्वल टू एम ए या एम डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं, हमें टाइम के साथ में रखना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर डिस्टेंस दी होती तो आप लिखते एफ इक्वल टू एम बी डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो हम लोग को इसी से मतलब है। तो लिखते हैं पावर को आप क्या लिखोगे एम db by dt into b, ये हमें दे रखा है, ठीक है। पावर उस तरह लिख सकते हैं, और पावर हमें कितनी दे रखी है 4t³। अब हमसे बोला क्या गया है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, तो मास हमें दे रखा है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं कहां से कहां तक, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 टू 4 सेकंड तक, ठीक है। चेक करते हैं सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा ये
तो क्या आएगा ये एम बी डी वी इक्वल टू फोर टी क्यू डी डी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहां से करना है, जब t इक्वल टू जीरो है यहां लिमिट रखेंगे जीरो, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी रखी है जीरो। ठीक है, और फोर सेकंड पे हमसे इसने पूछा है इसकी वेलोसिटी, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो क्या आएगा, इधर लिखते हैं इसको, क्या आएगा ये तो बनेगा एम बी स्क्वायर बाई टू और लिमिट रखनी है जीरो से बी। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा टी पावर फोर बाई फोर, यहां एक फोर है और लिमिट जीरो से फोर, ये तो कैंसिल हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग कि एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, एम की वैल्यू दे रखी है इसमें, एम हमें दे रखा है फोर के जी। तो ये बनेगा फोर बी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू फोर की पावर फोर। तो इसको अगर हम लोग लिखें सही से क्या बनेगा, इसे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया टू, तो बी स्क्वायर ये 16 इंटू 16 बाई टू, इसको मैं 8 लिख सकता हूं। तो b आ गया हमारे पास कितना 4 अंडर रूट 8। तो ये हमारा आंसर आ गया, चेक करते हैं। तो 8 अंडर रूट यार 8, देखो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आप इसको ले सकते हो 4 इंटू 2 या 8 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं इसको, मीटर पर सेकंड। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 8 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड। तो आंसर हो गया इसका, सेकंड आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट डैम्पिंग व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉक इज मैक्सिमम इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर ए इज करेक्टली शोन। देखो एक सिंपल पेंडुलम दे रखा है, ठीक है, और ये बोल दिया ये मैक्सिमम यहां पे है, जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहां पे बी जो होगा वो तो हो जाएगा जीरो। ठीक है, बी जीरो हो जाएगा। अब अगर इसका एंगल मैं थीटा मान लूं तो क्या होगा यहां पे, एक तो ये एन जी होगा, ये एंगल होगा, ये तो आ जाएगा एन जी कॉस थीटा और ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा, इधर आ जाएगा टेंशन। तो टेंशन तो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर लेगी, तो इधर तो कोई एक्सेलरेशन आएगा नहीं, इधर एम जी साइन थीटा बचा तो ये इधर आने की कोशिश करेगा, तो इधर ही नेट एक्सेलरेशन आएगा ए नेट। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अपना जो डायग्राम बनेगा आंसर आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ आएगा। ठीक है, कौन देगा एम जी साइन थीटा, तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर। आंसर आएगा अपना इसका सेकंड आंसर आएगा आपको। ठीक है, इधर आएगा कौन सा सेकंड आंसर सही है इसका। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है, ये इधर तो है ही नहीं एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड भी नहीं है, तो ये सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला ए पार्टिकल ऑफ मास 15 kg हैज एन इनिशियल वेलोसिटी बी, इनिशियल हमें दे रखा है, ठीक है, एंड इट कोलाइड बॉडी द इंपैक्ट टाइम इज 0.1 द रिजल्टिंग वेलोसिटी बी फाइनल हमें कुछ दे रखी है आफ्टर इंपैक्ट द एवरेज फोर्स ऑफ इंपैक्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ इंपैक्ट ऑन द पार्टिकल हमें लिखना है। तो एफ एवरेज अगर हम लिखोगे तो वो क्या आएगा हमारे पास डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आप लिखोगे एम बी फाइनल माइनस का बी इनिशियल डिवाइड बाई जो टाइम हमें दे रखा है वो। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इधर 15 है, बी फाइनल कितना है 6i प्लस 4j 5k माइनस i माइनस 2j डिवाइड बाई टाइम कितना हो गया, टाइम दिया हुआ है हमें कितना 0.1, तो 0.1 लिखा यहां पे, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर बनेगा इसका। तो 6i इसको ये तो हो जाएगा हमारे पास कितना 150, तो पहले तो अपने लोगों ने लिखा यहां पे 150, ये माइनस तो कितना आ गया 5i 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 6j प्लस 5k, तो ये एवरेज फोर्स आएगा अपना। तो आंसर चेक कर लेते हैं 5i प्लस 6j प्लस 5k, तो ऑप्शन कौन सा सही है अपना, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए स्क्वायर लेमिना ऑफ साइड ए एंड ए सर्कुलर लेमिना ऑफ डायमीटर ए आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर एज शोन इन फिगर द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ओ द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो यहां से हमें बताना है कितना सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ठीक है। तो उसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। क्या है, एक तो ये स्क्वायर दे रखा है, एक सर ये हमें दे रखा है, क्या बता रखा है इसमें लैमिना, ये सर्कुलर लैमिना दे रखी है हमें, ठीक है, और डायमीटर ए दे रखा है इसका। तो ये डायमीटर तो ए है, इसकी साइड कितनी है ए और डायमीटर ए है। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो इसको ओरिजिन मान सकते हैं, ठीक है, इसको तो मैं लिख देता हूँ 0, 0। ये डिस्टेंस कितनी हो गई ए बाई टू और ये भी डिस्टेंस हो गई ए बाई टू। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई ए। तो इसको जो पॉइंट लिखे जाएंगे वो कितने हो जाएंगे ए बाई टू को ए, ये जो लिखा जाएगा ये आएगा ए कॉमा जीरो आएगा, ठीक है, कितना आएगा ए कॉमा जीरो। अब हम लोग चेक करते हैं इसमें सेंटर ऑफ मास हमें लिखना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसको अगर मैं ऐसे मान लूं, इधर एक्स है और इधर वाई है, तो एक्स एक्सिस पे होगा। तो देखो लिखते हैं इसके लिए एक्सियम जो लिखा जाएगा वो क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। या तो ये वाला फार्मूला लगा दें या इनका एरिया आप लोगों को पता तो इसको ले सकते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। तो इस वाले से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका जो एरिया हो गया वो कितना होगा एक्सियम अगर लिखूंगा मैं, एरिया तो हो गया ए स्क्वायर, ये आ गया जीरो प्लस, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो वहां पे है 0, 0 पे, तो x हो गया 0 x। इसके लिए लिखेंगे तो कितना आएगा पाई, इसकी रेडियस कितनी है r इक्वल टू a बाई, कितना आ जाएगा a बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाई 4। ये सॉल्व इसको करेंगे तो xcm आ जाएगा पाई a स्क्वायर बाई 4 और इसको सॉल्व करो तो बनेगा 4a² πa² / 4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं पाई ए स्क्वायर 4a² πa², ठीक है। तो ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा तो ये कितना बचेगा पाई 4/π। तो ये पोजीशन आएगी इसकी, ठीक है। आंसर चेक करते हैं, एक यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास ए भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये तो मैंने एरिया की वैल्यू रखी थी ये, और इसमें एक्सियम होते हैं तो एक आएगा ए, तो यहाँ पे क्या आएगा एक ए चलेगा और एक ए आएगा। तो अब आंसर आएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा पाई अपॉन पाई बाई 4 ए, पाई अपॉन पाई प्लस 4 इंटू ए, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कोल माइन एट ग्राउंड एट टॉप ऑफ द माउंटेन आर W1, W2 एंड W3 रेस्पेक्टिवली देन। देखो क्या है, जैसे मान लो ये अर्थ है, तो अब हमसे क्या बोल रहा है अगर कोल माइन है तो मतलब इससे सरफेस के नीचे बात कर रहा है ये, ठीक है। तो यहां पे जो बात करी जा रही है वो W1 है, सरफेस में जो बात करी जा रही है वो W2 है, और इससे ऊपर जो बात करी जा रही है माउंटेन पे तो वो कितना है W3 है, ठीक है। तो अगर वेट की बात करें तो W इक्वल टू क्या होता है mg, तो मास तो उतना ही रहेगा, जी के रेस्पेक्ट में हमें बात करनी है, मतलब जी जो चेंज होगा, ठीक है, वैसे वैसे हमारे पास वेट चेंज होगा। तो जब डेप्थ के साथ बात करेंगे तो W1 जो g1 जो लिखा जाएगा वो कितना होगा g0 1 - b/re, ठीक है। और g3 अगर मैं लिखूंगा तो कितना लिखा जाएगा g0 1 - 2h/re, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो g की वैल्यू है ग्राउंड पे वो कितनी मानते हैं g0। अगर इससे अर्थ के अर्थ में मतलब नीचे जाएंगे तो भी हमारे पास g घटेगा, ऊपर जाएंगे तब भी g घटेगा, ठीक है, ये फार्मूला। अब हमें ये कोई स्पेसिफिक पोजीशन तो दे नहीं रखी है, ठीक है, एक माउंटेन बता रखा है और एक कोल माइन बता रखी है, अब ये नहीं बता रखा कितना डेप्थ है और कितनी हाइट है, ठीक है। तो मगर एक कन्फर्म है कि जो W2 होगा, या ऐसे लिखो इसे कि जो G1 है वो छोटा है किससे G2 से, ठीक है, या ये बोले जो G0 है वो G3 से, तो ये रिलेशन आएगा, ठीक है। इसमें अगर हमें D और H के बारे में कमेंट करा गया होता तो हम लोग सीधे उसको लिख सकते थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे
कि डब्लू वन डब्लू टू और ये डब्लू थ्री, तो ये आंसर आएगा अपना, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हेन ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर एंड ए डिस्क ऑफ सेम मास एंड ऑफ द सेम रेडियस रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड स्मूथ प्लेन फ्रॉम रेस्ट टू द सेम डिस्टेंस देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। तो एक क्या है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर है, यहां लिख लेते हैं इसको, सॉलिड स्फीयर है और डिस्क है, ठीक है, इनके मास हमें तो सेम दे रखे हैं और रेडियस भी सेम दे रखे हैं। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इससे बोला अगर ये, अगर मान लो इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे ये रोल होके आते हैं, टाइम के बारे में हमें बात करनी है। तो अगर मैं टाइम का फॉर्मूला लिखूं, जब ये रोल डाउन होंगे तो कितना आएगा, वन अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूला होगा टू एच बाई जी वन प्लस आई सी इंटू एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। ये हाइट एच होती है इसकी, देखो कैसे लिखेंगे इसके लिए, तो साइन थीटा टू एच बाई जी, ये तो दोनों के लिए कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब लोग दो इक्वेशन बना लेते हैं, टी वन अपॉन टी टू, ये क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट में वन प्लस आई सी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस ये आई सी वन लिख लो आई सी टू एम आर स्क्वायर। तो पहले देखते हैं सॉलिड स्फीयर हमें दे रखा है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर और दूसरा डिस्क है। तो अगर सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं हम लोग, तो क्या आएगा यहाँ पे, सॉलिड स्फीयर के लिए अगर हम लोग लिखे, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो आई सी वन हो जाएगा वो कितना होगा, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, और डिस्क के लिए कितना हो जाएगा, वन बाई टू एम आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या आएगा, ये वन प्लस टू बाई फाइव, यहां पे आएगा वन प्लस वन बाई टू, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों का मास हमें सेम दे रखा है, रेडियस भी सेम दे रखी है, ठीक है। तो ये सॉल्व होके बनेगा अंडर रूट सेवन बाई फाइव, और यहां पे टू ऊपर जाएगा और इधर थ्री, तो टी वन टी टू अंडर रूट फोर्टीन बाई फिफ्टीन, कितना आएगा, 14, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, चेक कर लेते हैं आंसर, अंडर रूट 14 एंड अंडर रूट 15, तो थर्ड आंसर इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए डिस्क इज रोटेटिंग अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, मास एम एंड रेडियस आर, अनदर मास एम इज मूविंग विथ वेलोसिटी बी एंड अटैच विथ डिस्क, If initial angular velocity of disk is omega, then what is the final angular velocity? ठीक है? तो हमसे final velocity पूछना, ये क्या है? Disk है, ये rotate हो रही है omega से, ठीक है? एक mass आ रहा है B से और इस पे attach हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप इन दोनों को system मान लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कोई external torque तो लग नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करें, इसमें एक, इसमें हम लोग conservation of angular momentum लगा सकते हैं, ठीक है? देखो इसको solve करते हैं। क्या दिया है हमें कि एक डिस्क है, ठीक है, और एक मास आ रहा है यहां से ऐसे, इस तरीके से ये मास और इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है बी, डिस्क का मास हमें दे रखा है कैपिटल एम और रेडियस दे रखी है आर, तो कैपिटल एम इंटू आर, और ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो गई, आर। तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, दोनों एक डायरेक्शन में है या अलग डायरेक्शन में। तो इसका एंगुलर मोमेंटम डिस्क का तो अपवर्ड है, और इसका भी आर क्रॉस भी लिखेंगे तो ये भी अपवर्ड आएगा। तो एल इनिशियल आपने लिखा तो कितना आएगा, एल डिस्क के लिए आएगा प्लस एल मास के लिए आएगा, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ये तो हो जाएगा कितना, आई ओमेगा प्लस, इसके लिए लिखेंगे तो कितना आएगा, ये एम बी आर, ये तो एल इनिशियल आ गया हमारे पास, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप लोग के डैश मान ले तो ये के डैश में आ जाएगा, या के कैप मान ले तो के कैप आएगा, ठीक है। एल फाइनल देखते हैं, एल फाइनल जब लिखा जाएगा तो एल
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास हो जाएगा, एक तो डिस्क का लिखा जाएगा अल्फा एनएल और मास का लिखा जाएगा, मगर अब होगा क्या हमारे पास कि जो डिस्क है और मास, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी। देखो इसको लिखते हैं, टोटल जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आई ओमेगा, और ये भी अपवर्ड ही रहेगा, तो आई कितना हो जाएगा एम, पहले डिस्क का लिख लेते हैं, डिस्क का जो एल फाइनल जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा आई ओमेगा, ठीक है। डायरेक्शन तो इसकी के कैप हो जाएगी, तो लिखते हैं इसे, आई हमारे पास कितना हो जाएगा, डिस्क का तो हो जाएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होंगे, तो इसके लिए लिखते हैं एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, तो ये बनेगा आई ओमेगा एम बी आर इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये ओमेगा डैश मान लेते हैं, तो ओमेगा हम लोगों ने पहले मान लिया, ये ओमेगा डैश हो गया। तो अब देखो इसका आंसर लिखते हैं, ओमेगा डैश जो आएगा वो आ जाएगा आई ओमेगा एम बी आर प्लस आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। आंसर चेक करते हैं, अब हमें जो आंसर दे रहे हैं यहां पे तो माइनस आ रहा है, तो अपना तो आया नहीं हम लोग, अब क्या करें, जो हमें डिस्क दे रखा है उसका मास हमें एम और आर दे रखे रेडियस, तो इसको वैल्यू पुट करते हैं, जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आएगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम बी आर डिवाइड बाई कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे एक ओमेगा आएगा, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो बनेगा एम कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस टू एम बी आर डिवाइड बाई कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर का कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा कितना, कैपिटल एम आर ओमेगा प्लस टू एम बी डिवाइड बाई एम, यहां से आर बचेगा एम आर प्लस टू एम आर, ठीक है। आर कॉमन लिया है और यहां पे भी आएगा हमारे पास आर, आप चेक कर लेते हैं, नहीं यहां से तो आर हट गया, यहां पर आर नहीं आएगा। देखो अब आंसर चेक करते हैं, तो एम आर टू एम आर ये आ रहा है, एम ओमेगा आर प्लस टू एम बी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है ए हॉलो स्फीयर हैज इनर वॉल्यूम हाफ द आउटर वॉल्यूम इट्स 4 बाय 5th पार्ट इज सबमर्ज्ड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। देखो एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, तो इसका ये जो वॉल्यूम है आउटर वॉल्यूम है ये बी है, ठीक है, हैज इनर वॉल्यूम हाफ ऑफ द, ये मान लो बी इन है, तो बी इन जो दे रखा है हमें वो बी बाई टू दे रखा है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है, हैज इनर वॉल्यूम हाफ ऑफ द आउटर वॉल्यूम एंड इट्स 4 बाई 5 पार्ट इज सबमर्ज्ड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, मतलब इसको जब वाटर में रखा जाता है तो इसका 4 बाई 5 पार्ट जो है वो सबमर्ज्ड हो जाता है, ठीक है, ये वाटर मान लो, तो इसमें बॉयंसी फोर्स लगेगा, तो जो बी की वैल्यू आएगी वो कितना होगा, बी सबमर्ज्ड डिवाइड बाई रो इंटू जी, तो कितना है ये 4 बाई 5 इंटू बी रो इंटू जी, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है अगर ये इस पे फ्लोट हो रहा है, ठीक है,
तो जो बॉयंसी फोर्स होगा वो इसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। तो वेट किसका लिख लेते हैं, तो जो वेट लिखा जाएगा वो कितना हो जाएगा एम जी। तो यहां पे नेट वॉल्यूम कितना होगा, बी माइनस बी बाई टू, बी माइनस बी बाई टू इंटू डेंसिटी मान लेते हैं डी इंटू जी। ये इक्वेशन मान लो सेकेंड और ये इक्वेशन है फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अगर हम लोग लिखे कि बी जो है वो डब्ल्यू के बराबर होगा, तो फोर बाई फाइव रो जी बी बाई टू डी जी ये कैंसिल हो गया, तो फोर बाई फाइव इंटू टू इंटू रो ये डी आ गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा एट बाई फाइव और ये हो गया टेन टू पावर थ्री। ये डेंसिटी आ गई, इसकी डेंसिटी आप लोगों ने कितनी मान ली है डी, इसकी डेंसिटी कितनी मानी है डी है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1.6 इंटू टेन टू पावर 3, 1.6 इंटू टेन टू पावर 3 के जी पर मीटर क्यूब, के जी पर मीटर क्यूब। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये बोला वाटर इज फ्लोइंग विद ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 इंटू टेन टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर एट प्रेशर 4 इंटू टेन टू पावर 4 पास्कल। द प्रेशर एट क्रॉस सेक्शन एरिया जो क्या है, एक पाइप है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो पहले एरिया ये दे रखा है और फिर ये, तो पहले वाला जो एरिया वो लार्ज है इस तरीके से है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है, तो इसको तो हम लोग A1 बोल देते हैं, ये A2, A1 हमें कितना दे रखा है 2 इंटू टेन टू पावर माइनस 2 और A2 दे रखा है 0.01, या इसको लिख लो 1 इंटू टेन टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या बोल रखा है, हॉरिजॉन्टल पाइप एट यहां का प्रेशर हमें दे रखा है P1, ये कितना दे रखा है 4 इंटू टेन टू पावर 4। ठीक है, इस पे हमें प्रेशर P2 बात कर रहा है, P2 हमसे पूछा गया है क्या होगा, तो सिंपल से हम लोग पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लेते हैं, तो यहाँ पे A1 B1 इक्वल टू A2 B2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे हमें B2 यहाँ पे मिलेगा, फिर हम लोग बर्नौली थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, A1 B1 इक्वल टू A2 B2, तो A1 कितना है 2 इंटू टेन टू पावर माइनस 2, B1 हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू A2 हो गया 1 इंटू टेन टू पावर माइनस 2 इंटू B2, ये कैंसिल हो गया, तो जो B2 आ गया यहां से वो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, अब हमसे क्या बोल रहा है इसमें कि प्रेशर हमें बताना है यहां पे P2, तो ये मान लो एंड 1 है एंड 2 है, तो बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन से अगर लिखे हम लोग तो क्या लिखा जाएगा, P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर। ठीक है, तो P2 हमसे पूछा गया है, P2 जब आप लिखोगे तो आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर माइनस का B2 स्क्वायर, तो P2 लिख लो, P1 हमें कितना दे रखा है 4 इंटू टेन टू पावर 4 प्लस 1/2। ठीक है, वाटर दे रखा है तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई 10 टू पावर 3, B1 हमें कितना आ रहा है हमारे पास, B1 हमारे पास आ रहा है कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो ये हो गया 4 माइनस B2 हमारे पास आया 4, तो ये हो गया 16। ठीक है, देखो इसको आप सॉल्व करते हैं क्या आएगा हमारे पास, तो जो P2 बचेगा 4 इंटू टेन टू पावर 4 प्लस 1/2 टेन टू पावर 3 इंटू
ये बचेगा 12 माइनस के साथ, ठीक है, तो 4 × 10⁻⁴ या माइनस आ जाएगा 6 × 10⁻³ या इसको आप लिख सकते हो 4 × 10⁴ माइनस का 6 × 10⁻³ या ये से आप लिखोगे 3.4 × 10⁴। तो ये आंसर आएगा आपका, ठीक है, 3.4 × 10⁴ पास्कल में आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोला है इसमें, इन एन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 है। इंटेंसिटी कितनी दे रखी है हमें, आई इक्वल टू 1/4 आई नॉट या आई मैक्स, ठीक है। तो एंगुलर पोजिशन पूछिए, तो इंटेंसिटी का फार्मूला अगर हमने लिखे तो लिखा जाता है आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। तो यहां लिखो ये आ जाएगा आई मैक्स 4 आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो ये बचेगा 1/2 कॉस 5/2, तो 5/2 की जो वैल्यू आएगी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, या इसको लिखो आप 5/3 या 5 = आ जाएगा 2π3। तो ये फाई है, ये क्या हमारे पास फेज डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस हम लोग पार्ट डिफरेंस लिख सकते हैं, तो φ = कितना होगा 2π λ (d) या डेल्टा x लिख लें, तो फाई कितना हो गया 2π/3 = 2π λ (Δx). तो डेल्टा एक्स आ गया हमारे पास λ/3, ये पार्ट डिफरेंस आ गया। और पार्ट डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, d sin θ = λ/3, तो sin θ = λ/3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें डी के बारे में और कोई बोला नहीं है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे जो जर्नल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या होता है डी स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे थीटा जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा sin inverse λ/3d। तो ये आंसर आएगा sin inverse λ/3d, आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 बोल देखते हैं, ये बोला ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ईयर हैज ए कैपेसिटेंस 9 pF, द सेपरेशन बिटवीन इट्स प्लेट इज डी, द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज नाउ फिल्ड विथ 2 dielectric, वन ऑफ द dielectric हैज dielectric कांस्टेंट K1 एंड थिकनेस d/3, व्हाइल द अदर वन हैज dielectric कांस्टेंट K2 एंड थिकनेस 2d/3, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखो क्या है, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले कैपेसिटर सिंपल सा ऐसे है, ईयर फील्ड है, तो C0 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है εA/d, और ये कितना दे रखा है हमें 9 pF दे रखा है, ठीक है। ये डिस्टेंस हम लोग जनरल जानते हैं कितना होता है d, और एरिया इसका a दे रखा है। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि इसकी बीच की जो डिस्टेंस है, डायग्राम इधर बना लेते हैं, तो एक तो d/3 और ये कितना बच गया 2d/3, ठीक है। इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा जाता है, इसमें ये K1 है 3 दिया हुआ और K2 जो दिया हुआ है ये हमको कितना दिया हुआ है 6। तो अब इसने C2 हमसे पूछा या C' बोल देते हैं, देखो सॉल्व करते हैं इसे। तो अगर कोई कैपेसिटर इस तरीके से फिल करा जाता है, अगर ये मान लो थिकनेस T1 है और ये थिकनेस T2 है, ठीक है, थिकनेस T2 मान लो, तो इसका जो डाई कैपेसिटेंस लिखा जाएगा C, वो कितना आएगा εA d- उसको दोबारा बनाता हूं इस तरीके से, मान लो ये T1 है, ये T2 है, ऐसे करके T1 T2 T3, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3, तो C जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है εA d - T1 - T2 - T3, जो भी जितने ही भरे जाएंगे, प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3, इस तरीके से हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखो पुट करते हैं वैल्यू,
तो एप्सिलॉन ए डी माइनस कितना है डी बाई थ्री प्लस टू डी बाई थ्री, ठीक है, प्लस यहां लिखेंगे डी वन कितना है डी बाई थ्री और के वन है थ्री प्लस टू डी बाई थ्री इंटू के टू हमें दिया हुआ है सिक्स, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो सी की वैल्यू बनेगी, जो C आएगा वो आएगा एप्सिलॉन A, ठीक है, ये डी बाई थ्री और टू डी बाई थ्री मिलकर कितना बन जाएगा D बन जाएगा, तो D और D कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा डी बाई नाइन प्लस इसको इससे कैंसिल कर दो तो ये 3 आ जाएगा, तो क्या बनेगा एप्सिलॉन D बाई नाइन प्लस D बाई नाइन, ठीक है, या C इक्वल टू बनेगा एप्सिलॉन A टू डी बाई नाइन, या यहां लिख सकते हो 9 एप्सिलॉन A डिवाइड बाई 2D, ठीक है, C आ गया 9 बाई 2 एप्सिलॉन A बाई D। ये जो हमें दे रखा है ये C नॉट दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है 9 पिको फैरड, इसकी वैल्यू यहां रखो तो C इक्वल टू आ गया 9 बाई 2 इंटू 9 81 बाई 2 या 40.5 आएगा, कितना आएगा 40.5 पिको फैरड, चेक कर लेते हैं इसका आंसर, आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोला इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम इज पॉजिटिव, ठीक है, इसमें एक सिस्टम है हमारे पास एक क्यू टू क्यू और एक माइनस क्यू, तीन चार मिलकर सिस्टम बनना है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें बता दी है पॉजिटिव, तो ये इसमें कंडीशन हमें बतानी है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इन दोनों की वजह से आएगी और इन दोनों की वजह से आएगी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं U वो कितना लिखा जाएगा, पहले इन दोनों के लिए लिखते हैं, लिखा जाएगा K 2Q into Q divided by A, अब इन दोनों के लिए लिखते हैं, यहां पे माइनस सही लगा हुआ तो माइनस इधर आ गया K 2Q Q divided by A, यहां पे आएगा माइनस का K Q Q divided by A, ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं कितना बनेगा, और ये ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, ये इसमें बता रखा है क्वेश्चन, तो क्या बनेगा ये के टू क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस का के थ्री क्यू इंटू क्यू बाई ए ग्रेटर देन जीरो, इसको सॉल्व करोगे तो के बाई ये तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास टू क्यू स्क्वायर माइनस का थ्री q इंटू क्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो या टू क्यू स्क्वायर थ्री क्यू इंटू क्यू, ये q से q कैंसिल हो गया तो कंडीशन बनती है टू क्यू इज ग्रेटर देन थ्री स्मॉल q, ठीक है, तो ये आंसर आएगा टू क्यू ग्रेटर देन थ्री क्यू, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये बोला था करंट इन द सर्किट वेरीज विद टाइम एज आई इक्वल टू 2√2 देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट फॉर द इंटरवल टी इक्वल टू 2 टी इक्वल टू 4 सेकंड, तो इसमें आरएमएस वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो आरएमएस वैल्यू जो हमसे पूछी जा रही है तो हम लोग करेंगे आई आई का हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है, आई का फार्मूला हमें दे रखा है आई इक्वल टू 2√2 आरएमएस वैल्यू हमसे पूछी गई, तो उसका फार्मूला लगाना है सिंपल सा, आई आरएमएस क्या होता है अंडर रूट आई डी टी, इसको स्क्वायर करना है फिर उसको हमें इंटीग्रेट करना है, यहां डी टी आएगा तो इसको हमें पुट करना है, जो क्या होगा इंटीग्रेशन कहां से 2 से 4 तक आई स्क्वायर जब आप करोगे तो आएगा 4 टी, यहां आएगा डी टी, यहां आ जाएगा डी टी, ये 2 से 4 जो क्या बनेगा ये अंडर रूट 2 टी स्क्वायर आएगा, ठीक है, टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, ठीक है, तो 2 बचेगा और यहां पे हमें लिमिट कहां से कहां तक रखनी है 2 से 4, यहां पे टी आएगा और इसकी लिमिट हमें कहां रखनी है 2 से 4, तो क्या आएगा ये 2, ये 16 हो जाएगा माइनस
4 डिवाइड बाई 2 आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2√3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब जो ये सेक्शन डी है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज ई इफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर डबल इट्स टोटल एनर्जी विल बी एन, देन द वैल्यू ऑफ एन। तो हमें एन ही दे रखा है और इसमें एन के बारे में बात करनी है। तो टोटल एनर्जी अगर आप लिखोगे तो ई इक्वल टू कितना लिखा जाता है, 1 बाई ई टोटल 1 बाई 2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या बोले डायरेक्टली कैसे लिखा ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, या जो ई है ई टोटल वो कैंसिल रही है ए बाई टी इसके साथ, ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि एम्पलीट्यूड भी डबल कर दिया गया है, टाइम पीरियड भी डबल कर दिया गया है, तो ई टी जो लिखा जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 ए अपॉन 2 टी, ठीक है। तो ई टी जो आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा हमारे पास, मतलब ए बाई टी स्क्वायर फॉर्म में चलेगा सीधे, मतलब कोई चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, एन इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास, मतलब जो ई टू होगा कितना हो जाएगा, ई आ गया या 1 इंटू ई, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए स्टील वायर ऑफ लेंथ, ठीक है, लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर, मास हमें दे रखा है 0.2 केजी, इफ द वायर हैज टेंशन टी दे रखा है 800 न्यूटन, व्हाट इज द वेव वेलोसिटी, तो बी वेव वेलोसिटी फार्मूला लगाएंगे तो बी इक्वल टू कितना होता है, टी बाई मास पर यूनिट लेंथ, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, टी मास पर यूनिट लेंथ या टी एल बाई एम, देखो क्या आएगा, ये वैल्यू पुट करते हैं, 800 एल कितना हो गया 10, 0.2 ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये बचेगा 400, ठीक है, या ये बोले कितना आएगा 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 200 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द स्पेसिफिक हीट, इसमें स्पेसिफिक हीट में बता रखी है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस वेरीज विद टेम्परेचर टी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट का हमें एक रिलेशन दे रखा है टेम्परेचर के साथ, द हीट एक्वायर्ड इन कैलोरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 ग्राम सब्सटेंसेस फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री। देखो यहाँ पे भी हमारे पास जो दे रखा है ग्राम में और यहाँ पे भी ग्राम में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर डी क्यू लिखा जाएगा, जो हीट लिखी जाती है कितना लिखा जाता है, एम सी डी टी, उसको इंटीग्रेट करना है, देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एम है कितना 2 और सी की वैल्यू आएगी 0.20 प्लस 14 टी, यहाँ पॉइंट आएगा प्लस 0.023 टी स्क्वायर इंटू डी टी ऑफ 5 टू 15 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा ये 82 कैलोरी के आसपास आएगा, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा इसका, 82 कैलोरी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलोरी आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द सर्किट शोन इन एडजॉइनिंग फिगर द रीडिंग ऑफ एमीटर, तो हमसे एमीटर की डी पूछी गई, तो एमीटर तो ये लगा है, मतलब इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी वो हमें पता करना है, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, ये 12 4 और 2 ये दोनों तो तीनों होगा पैरेलल में, मतलब क्या होगा अगर इसका डायग्राम बनाए तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, ये 2 ओम ये 4 ओम ये 12 ओम ये एमीटर, और ये कितना दे रखा है 0.3 ओम,
तो पहले ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, इसको मैं बोलता हूं आर वन डैश, तो इसको लिखो आप आर डैश कितना आ जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/12, तो 1/r' ये हो गया 6 + 3 + 1/12, आर वन आर डैश आ जाएगा 12/10, ठीक है, ये आर डैश आ गया। अब आर इक्विवेलेंट अगर आप लोग लिखेंगे तो इसका डायग्राम बनाते हो क्या बनेगा, ये एमीटर है और इधर ये पोटेंशियल लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आर डैश हो गया, ये आर हो गया और ये 1.5 वोल्ट हो गया, ठीक है, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 0.3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, अगर इसको आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 1.2 ओम आर डैश, इसको यहां रखते हैं, तो ये दोनों सीरीज में होगा रेजिस्टेंस, तो 1.2 ओम + 0.3 1.5 ओम आ गया, ठीक है, करंट की बात करनी है तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R, तो B तो हो गया कितना 1.5 और ये भी 1.5, तो ये आ गया कितना 1 एम्पियर, उसका आंसर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर आएगा, ठीक है, कितना आएगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड नॉर्मल टू वे मैग्नेटिक फील्ड विच इंक्रीज एट ए रेट 1 टेस्ला पर सेकेंड, द इंड्यूस ईएमएफ, जो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने दे रखे हैं 500 और जो साइड हमें दे रखी है ए, ठीक है, वो हमें दे रखी है कितना 10, ये साइड को एल से डिनोट कर लेते हैं, यह आ गया 10 सेंटीमीटर या 10 × 10^-2 मीटर, ठीक है, और जो dv/dt दे रखा है ये हमें कितना दे रखा है 1 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है, तो बोला था इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात करनी है, तो ईएमएफ जो लिखा जाएगा वो कितना होगा माइनस का d5/dt, ठीक है, मगर इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो साइन के बारे में मतलब ही नहीं, तो हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ये कितना आएगा d5/dt, और जो टोटल फ्लक्स होता है फाई वो कितना होता है nva, ए एरिया है, तो यहां पे जब आप लिखोगे emf तो आ जाएगा nba d/dt, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो n कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया और यहां आ जाएगा dv/dt, तो n हो गया 500, एरिया कितना हो जाएगा, साइड हमारे पास दिया है 10 × 10^-2, अब स्क्वायर बोल रखा है तो एरिया हो जाएगा 10 × 10^-2 का स्क्वायर और ये 0.1, तो आ जाएगा 500 × 10^-2 बचेगा यहां से इंटू, और हमें क्या बोल रखा है, ये 1 दे रखा है, 1 0.1 नहीं है, 1 दे रखा है, तो ये सॉल्व करोगे कितना आएगा 5 वोल्ट, आंसर कितना आ जाएगा इसका 5 वोल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वोल्ट, क्लियर है बच्चों, तो ये अपना मेजर 2 का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। गुड मॉर्निंग, आज हम जेईई मेंस का पेपर बीटीएस का जो है मेजर 2/8 का डिस्कशन करने वाले, ठीक है, तो देखिए बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाईएस्ट वैल्यू फॉर e/m फॉर एनोड रेट हैज बीन ऑब्जर्व्ड व्हेन डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद, ठीक है, तो आपको e/m की वैल्यू निकालनी, किसके लिए, इन इन गैसेस के लिए हाईएस्ट इसके हो, तो जाहिर सी बात है m की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा, m की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब e/m की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और साथ ही साथ अगर m की वैल्यू अगर कम होगी तो e/m का रेशियो क्या होगा, हाईएस्ट होगा, और m की सबसे मिनिमम वैल्यू जो है हाइड्रोजन गैस के लिए, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते अगला, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेपर डेंसिटी डाटा, ठीक है, आपको ये पूछा गया है कि किस रिएक्शन के अंदर आप वेपर डेंसिटी डाटा को
कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जहां पर डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो के बराबर हो, ठीक है ना, डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो के बराबर हो, उसमें उससे हम वेपर डेंसिटी डाटा को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट साइड में टू है और यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे थ्री प्लस टू फोर, फोर माइनस टू कितना टू हो जाएगा, ठीक है। इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए आपके पास टू माइनस टू कितना होगा जीरो, और इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू आपके पास वन के बराबर आएगी। तो इसलिए डेल्टा एनजी की वैल्यू दो किसके अंदर आ रही है, आपके पास जीरो जो आ रही है, इन दोनों के अंदर आ रही है। इसलिए आंसर जो होगा वो फर्स्ट एंड आपके पास कौन सा थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन मैच करा है, फर्स्ट के अंदर, इसलिए आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 10% अमोनिया बाय मास एंड हैज डेंसिटी ऑफ 0.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, आपके लिए इस सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो देखो बेटा, पीएच की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, प्रॉब्लम को समझना है। वैसे इन जनरल आपको पता है कि अमोनिया का जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, यहाँ पे अमोनिया दे रखी, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन H2O के साथ रिएक्शन किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव प्लस साथ में OH माइनस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं, यहाँ पे 10% अमोनिया दे रखी, ठीक है ना, और डेंसिटी दे रखी आपके पास इतनी, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन दे रखा, ठीक है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन का जो वेट होगा, अगर डेंसिटी इतनी है तो 990 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है ना। अब उसमें अमोनिया जो होगी वो आपके पास कितनी होगी, 10% होगी, तो अमोनिया जो होगी, जाहिर सी बात है, अमोनिया का वेट जो होगा वो कितना होगा, 99 ग्राम के बराबर। क्यों, क्योंकि आपके पास 990 ग्राम जो है टोटल सॉल्यूशन, और टोटल सॉल्यूशन का 10% अमोनिया, तो अमोनिया जो होगी 99 ग्राम के बराबर होगी, ठीक है। अब देखो, अमोनिया का अगर मोल निकाल, तो मोल्स ऑफ अमोनिया बराबर क्या आएगा, 99 W/m, कितना होता है अमोनिया का, 70, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, यहां से दूसरी चीज, पहले तो ये पता चल गई कि आपके पास अमोनिया के जो मोल है वो 99/17 के बराबर, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो के की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, के इंटू के बी इज इक्वल टू 10^-14 होता, ठीक है। तो यहां से आपके पास के बी की वैल्यू निकाल सकते हो, 10^-14 डिवाइड बाय के ए की वैल्यू अपने पास दे रही है 5 × 10^-10 के बराबर, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आएगी, के बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस जगह से आपको के बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब यहां से के ए, अगर बाय द वे हम मान लेते हैं इसका आपके पास कंसंट्रेशन एक्स मिल रहा है, जाहिर सी बात इसका भी आपको कितना मिलेगा, एक्स, ठीक है। मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन अपने पास एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहां से मैं के बी की वैल्यू को लिख सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन में अमोनिया के मोल, ठीक है। तो यहां से के बी की वैल्यू अपने पास पता है, ये वाली के बी की वैल्यू 10^-14 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा, 5 × 10^-10 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स अपॉन में अमोनिया के मोल कितने देर के, 99/70, ठीक है, 99/70, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है। इस जगह से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और एक्स की वैल्यू आ जाने का मतलब क्या हुआ, OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन, OH माइनस के कंसंट्रेशन से आप क्या निकाल सकते हो, POH की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। और POH आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, pH, pH बराबर कितना होगा, 14 − pH के बाद इस वैल्यू को आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है बेटा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए, अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आपके पास 8 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न टू फॉर्म SO2 विच इज ऑक्सीडाइज बाई Cl2 वाटर, ठीक है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे सल्फर दे रहा है, प्रॉब्लम को पहले ध्यान से देखें, सल्फर है, ठीक है। सल्फर को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, वापिस बता देता हूँ मैं, सल्फर है, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल गया, SO2 मिला। अब यहाँ से क्या मिल रहा है कि SO2 को क्लोरीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज किया, तो SO2 को अगर क्लोरीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ पे S की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही, +4, तो +4 से ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SO4−2 में +6 में चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो SO4−2 बना, इसको किसके साथ ट्रीट किया गया, BaCl2 सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं BaCl2 के साथ ट्रीट करूंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, BaSO4 मिल जाएगा, ठीक है, तो BaSO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बोला गया प्रॉब्लम में कि यहाँ पे 8 ग्राम सल्फर, ठीक है, तो अगर 8 ग्राम सल्फर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 / क्या होगा, 32, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/4 मोल आपके पास क्या है, सल्फर है, ठीक है। स्टार्ट में जो मोल दे रखे 1/4 मोल दे रखे, ठीक है,
अब सल्फर का अगर मैं यहाँ पे एक मोल ले तो जाहिर सी बात यहाँ पे सल्फर एक, यहाँ पे भी एक मोल बनेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी सल्फर सल्फर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे वन आएगा, इसका एक मोल, इसका भी कितना मोल, एक मोल बनेगा। और BaCl2 के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे भी एक ही बार आया तो इसका मतलब इसका भी आपको क्या मिलेगा, वन मोल। तो अगर बाय द वे अगर मैं एक मोल सल्फर यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक मोल SO2 बनेगा और एक मोल SO2 के रेस्पेक्ट में आपके पास एक मोल SO4-2 बनेगा और एक और SO4-2 के रेस्पेक्ट में आपके पास वन मोल BaCl4 बनेगा। तो इसका मतलब अगर वन मोल सल्फर लेते हो तो यहाँ पे आपके पास वन मोल BaCl4 मिल जाएगा। और अगर बाय द वे आपके पास अवेलेबल कितने 1/4 मोल है, और अगर 1/4 मोल सल्फर लेते हो तो इसका मतलब क्या होगा, 1/4 मोल आपके पास क्या होगा, BaCl4 प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते अगला प्रॉब्लम। देखो अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, VRMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट टेंपरेचर 300 केल्विन एंड प्रेशर 1.5 बार इज 1×10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। कि टेंपरेचर एंड प्रेशर आर रेज 3 टाइम्स RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एकदम कैलकुलेशन वाला बेस्ड है, आपको पता है कि RMS, ठीक है, स्पीड जो होती है आपको पता है VRMS का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो आपके पास होता है √3RT/m के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रेशर का फिलहाल रोल नहीं आ रहा टेम्परेचर पे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि VRMS जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √3 के बराबर, ठीक है। अब देखो स्टार्ट में आपके पास क्या दे रखा है, VRMS 1×10⁴, ठीक है, तो 1×10⁴, ठीक है, अपॉन में और बाद में वाले में V2 की वैल्यू निकाल, अपॉन में क्या आएगा T1 टेम्परेचर कितना देगा 300 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से 300 केल्विन और निकालना क्या है T2 इसको 3 टाइम्स कर लिया गया, ठीक है। तो 3 टाइम्स कर लिया तो यहाँ पर क्या होगा 300, तो 300 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो, तो यहाँ से जो V2 की वैल्यू आएगी बेटा वो आपके पास क्या आएगी √3×10⁴ के बराबर आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपके पास डायरेक्ट दे रहे √3×10⁴, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो आपके पास कौन सा होगा VRMS × √4T के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते अपने पास अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए यहां पे क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन थर्मल डीकंपोज यील्ड द बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। आपको ये बताना है कि कौन सा यौगिक ताप अपघटन पर सारीय के साथ अम्लीय ऑक्साइड देता है, ठीक। तो देखिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं KNO3 के बाद तो नाइट्रेट को जनरेट डीकंपोज करते हो तो नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस देता है, ठीक है। और Na2CS सोडियम से लेकर CSK कार्बोनेट जो है जनरली क्या नहीं होते डीकंपोज नहीं होते, इसके अंदर ये वाला बनेगा तो इसमें ऑक्साइड बनेगा नहीं, तो आंसर ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। चले आगे चलते CSC होती, अगर CSC3 को थर्मली डीकम्पोज करते हो तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस साथ में क्या मिल जाएगा CO2 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है बेसिक नेचर शो करता है, तो ये वाला तो होगा बेसिक नेचर। और कार्बन ऑक्साइड, कार्बन क्या है नॉन मेटल, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो कौन सा होगा एसिडिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा बेसिक एज वेल एज एसिडिक मिलेगा, तो बेसिक और एसिडिक दोनों मिल जाएगा, तो सेकंड आंसर आ जाएगा। फिर भी देख लेते तीसरा, देख लेते ZnCO3 की अगर बात करूँ तो ZN3 को अगर हीट अप करता हूँ तो यहाँ से क्या बन जाता है ZnO+ साथ में क्या बन जाएगा CO2, ठीक है। तो ये वाला आपके पास क्या है ZnO क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, हमको एम्फोटेरिक नहीं पूछा है, सारी पूछा है या फिर बेसिक पूछा है, ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। एंड अगर मैं Na2CO3 को डीकम्पोज करता हूँ तो डीकम्पोज जनरली ये नहीं होता, ठीक है ना, Na2CSK कार्बोनेट जो है वो डीकम्पोज नहीं होती, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सेवंथ प्रॉब्लम, ठीक है। तो सेवंथ प्रॉब्लम ध्यान देखिए, H2 कैन नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद द मेटल, ठीक है। तो ये वाले जो मेटल्स दे रखे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए एस ब्लॉक के एलिमेंट जनरली क्या होते हैं डायरेक्टली जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। लिथियम जो है ऊपर वाले जो एलिमेंट है जैसे लिथियम और बेरिलियम है, इसके अंदर क्या होता है मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होता है ज्यादा होता है, धात्विक बंध का सामर्थ्य ज्यादा होगा, और मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा वो आराम से रिएक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिथियम जो है जनरली लिथियम फिर भी रिएक्शन कर लेता है LiH बना देता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 1073 केल्विन लेते हैं। लेकिन बेरिलियम जो है बेरिलियम कभी भी डायरेक्टली आपके पास हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर बेरिलियम का आपको हाइड्राइड बनाना है, ठीक है, इसके लिए हम क्या लेते हैं BaCl2
को एच माइनस डोनर के साथ रिएक्शन करते, कोई भी एच माइनस डोनर जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया इसके साथ रिएक्शन करते हैं तब आपके पास क्या बनता है, BH2 बनता है। तो इन जनरल बेरिलियम जो है वो डायरेक्टली क्या नहीं करता, मेटल के साथ कंबाइंड, इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड नहीं हो पाता। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते। देखो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेस पे करना आपको। आपको क्या पूछा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आपको पूछा गया कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की आयनाइज्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना, सेकंड, फर्स्ट आयनाइज्ड एनर्जी का ऑर्डर नहीं बताना, सेकंड का बताना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देता हूं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, H2P2। ठीक है, इसका जो होगा H2P3। ठीक है, इसका होगा H2P4। ठीक है, जबकि इसका होगा H2P5। ठीक है, पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो क्योंकि हमको सेकंड आयनाइज एनर्जी निकालनी, एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो क्या आएगा, H2P1। यहां से क्या आएगा, H2P2। यहां से होगा H2P3। ठीक है, और यहां वाला होगा आपके पास H2P4। ठीक है, अब आपको पूछा क्या गया है कि सेकंड आयनाइज एनर्जी निकालनी, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे देखो P3 कॉन्फिगरेशन आ रहा है। ठीक, और अगर P3 कॉन्फिगरेशन आ रहा है तो इसका मतलब P3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है इसकी आयनाइज एनर्जी की वैल्यू इन जनरल ज्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो यहां से P3 से इलेक्ट्रॉन घटाना मुश्किल होगा, इसलिए ऑक्सीजन की एज कंपेयर टू फ्लोरीन से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, फिर बाद में नाइट्रोजन आएगा क्योंकि इसमें साइज का भी फैक्टर लग जाएगा, इसकी साइज स्मॉल होगी, इस वजह से इसकी आयनाइज एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। और उसके बाद में आपके पास कौन सा आएगा, कार्बन आएगा। तो ऐसा जो ऑर्डर जो मैच कर रहा है वो आपके पास किस में मैच कर रहा है, फर्स्ट के अंदर मैच कर रहा है, इसलिए आंसर कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने आगे वाली प्रॉब्लम देखिए। देखो आगे वाली प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये भी इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको पूछा गया क्या है कि इसके अंदर से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले B2S6 की बात करूं तो आपको मालूम होना चाहिए B2S6 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो B2S6 के अंदर आपको मालूम होना चाहिए एक तरह से बनाना बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, अब बनाना बॉन्डिंग में आप क्या पूछे, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करा, तो ये वाला जो बॉन्ड है टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, ये चारों ही, जबकि बीच वाला जो है वो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, तो टोटल जो होंगे, टोटल 1, 2, 3, 4 टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होंगे टोटल कितने होंगे, 4। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड के अंदर क्या है, आपके पास SiH3PH3 देयर इज सिग्निफिकेंस बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा अगर मैं नाइट्रोजन लेता यहाँ पे, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन लेता, नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पे SiH3, यहाँ पे SiH3 लेता और इस जगह पे भी मैं SiH3 लेता। ठीक है, तो इसमें आराम से बैक बॉन्डिंग हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस अगर आ जाता है तो फॉस्फोरस में लॉन पेयर है, इसके पास फॉस्फोरस के पास ऑलरेडी वैकेंट डी ऑर्बिटल है और साथ साथ बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी, इस वजह से इसके अंदर इजीली बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो देर इज सिग्निफिकेंस बैक बॉन्डिंग, तो ये बात गलत है। ठीक है, आराम से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी अगर इसकी जगह फॉस्फोरस लेते। ठीक है, फिर बाद में तीसरी बात करें, इन दोनों के रिगार्डिंग बात करें। ठीक है, तो ये वाला है ट्राइमिथाइल अमीन। ठीक है, ट्राइमिथाइल अमीन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, CH3। तो जाहिर सी बात है, सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा बेसिकली आपके पास कौन सा होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ट्राइसिलाइल अमीन की अगर बात करें, मतलब यहाँ पे अगर मैं SiH3 लेता हूँ, यहाँ पे SiH3 लेता हूँ, इस जगह पे भी SiH3 लेता हूँ, तो ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, प्लैनर बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली क्या होगा, प्लैनर स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल प्लैनर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, Al2Cl3 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, अब देखो Al2Cl6 की अगर बात करूँ ना, तो Al2Cl6 की स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। ठीक है, बात करते हैं थ्री सेंटर, ये तीनों सेंटर की अगर बात करूँ, और तीनों सेंटर में इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, एक तो दो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होंगे और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होंगे, तो दो और दो कितने होंगे, 4। मतलब ये वाला बॉन्ड होगा 4 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर, मतलब ये इसको कहेंगे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आपको पूछा कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है क्या, इसके अंदर ध्यान दें, इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मौजूद नहीं, इसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मौजूद है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मौजूद है, इसलिए फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो केवल और केवल आंसर जो होगा वो कौन सा बेटा, फर्स्ट वाला आंसर पास है। ठीक, चलो आगे चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम है।
आपको क्या पूछा है, द मोस्ट स्टेबल रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसके अंदर देखा जाए पहले इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करो, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये लोन पर इधर जाता है, तो इस कंडीशन में आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, चलो देखते यहाँ पे ये वाले सेकंड वाले केस को देखो, इसको अगर देखोगे तो ये वाला एंटी मेटल दो और दो चार और पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे, चार आ रहे, तो पाई इलेक्ट्रॉन चार आ रहे, ये वाला क्या होगा एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो सबसे लेस स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक, चलो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा, अगर इसकी अगर बात करें इन दोनों में, ये वाला एरोमेटिक है ये भी एरोमेटिक, ठीक है, बट इट इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऊपर वाला एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, नीचे वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला वैसे भी आपके पास ना तो एंटी एरोमेटिक ना ही एरोमेटिक। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है एरोमेटिक आ रहा है, एरोमेटिक आ रहा है, ये वाला क्या होगा सबसे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, आपको कुछ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड जो होना चाहिए वो ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, और ऑप्टिकल एक्टिव का कंडीशन क्या है, कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक कायरल कार्बन कंपाउंड के विद इन ओनली सिंगल कायरल कार्बन कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, इस जगह पे आपके पास कायरल कार्बन और कायरल कार्बन ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, चलो इसमें कोई कार्बन, ये कायरल कार्बन नहीं, भले ही यहाँ पे हाइड्रोजन शो हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे भी शो हो रहा है। ठीक, तो मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम आई है, इसका मतलब नो कायरल कार्बन, तो ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसके अंदर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ तो NH2 की मिरर इमेज आपके पास NH2 हो जाएगी, pH की मिरर इमेज pH हो जाएगी और H की मिरर इमेज H हो जाएगी, तो इसके अंदर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन अगर देखोगे तो फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे दोनों एच सेम आ गए, ये वाला कायरल कार्बन है ही, और अगर कायरल कार्बन नहीं तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव जो होगा केवल फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, इसलिए आंसर जो होगा बेटा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए, आप आगे चलिए, देखो आगे आपके पास कुछ रिएक्शन का सिक्वेंस है। ठीक है, उस रिएक्शन का सिक्वेंस को पूरा करना है, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। ठीक है, यहाँ पे मैं अमोनिया ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलो अगर मैं बात करूँ पी फोर ओ टेन के साथ ही कर दिया, पी फोर ओ टेन क्या होता है, डी हाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो ये वाला वाटर को डिहाइड्रेट कर लेगा, यहाँ से एच टू हो जाएगा, तो यहाँ से एच टू हटाओगे तो यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे दे रखा है डिबाल एच। ठीक है ना, आगे आपको दे रखा है डिबाल एच फॉलोड बाय हेटरोलाइसिस, ध्यान देना बेटा, आपको स्पेशल ध्यान देना है, डिबाल एच जो है केवल एस्टर एंड नाइट्राइल का पार्शियल रिडक्शन करता, तो आप इसमें बता देता हूँ, डिबाल एच जो है वो एस्टर तथा नाइट्राइल का क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है, और अगर पार्शियल रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड रिडक्शन के बाद में पहले तो इमीन बनेगा और उसके बाद में हाइड्रोलाइज करोगे तो यहाँ पे आर सी एच के साथ में क्या मिल जाएगी, अमोनिया मिल जाएगी, तो इसमें जो प्रोडक्ट डी होगा वो आपके पास कौन सा होगा, एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट होगा। अगर कंप्लीट रिडक्शन होता तब आपके पास क्या होता है, आर सी एच टू ओएच बन जाता, अल्कोहल बन जाता, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, पार्शियल रिडक्शन है और डिबाल एच पार्शियल रिड्यूस कर पाएगा एस्टर एंड नाइट्राइल ग्रुप को, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए आप आगे चलिए, देखो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपके पास ये रिएक्शन दे रही है, इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो अटैक कौन करा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा, और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस बेंजीन रिंग पे ज्यादा हुई उस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखो, ये वाला क्या कर रहा है, प्लस एम शो कर रहा है, और अगर ये वाला प्लस एम शो कर रहा है और इधर से भी ये वाला प्लस एम शो करेगा तो इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वो इस रिंग पे अटैक करेगा, तो ये वाले हो नहीं सकता। ठीक है, और ये सेकंड वाला हो नहीं सकता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस रिंग पे अटैक कराए, ये गलत। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्या कर रहा है, प्लस एम शो कर रहा है, और प्लस एम शो कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला या तो ऑर्थो होगा या फिर पैरा डायरेक्ट होगा, और पैरा पोजीशन इसकी क्या होगी, ब्लॉक होगी, तो जाएगा कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा तो ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे, इसलिए आंसर इसका कौन सा बड़ा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते आगे वाले, अगला वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, नाइट्रोजन इज कंपाउंड ट्रीटेड विद HN2 प्रोड्यूस फ्रॉम इज फर्दर ट्रीटेड विद NOH एंड प्रोड्यूस ब्लू कलर। आपने पढ़ा होगा
आपने एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखा होगा, विक्टर मेयर टेस्ट आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आरबीसी करके एक जिंगल की फॉर्म में याद रखा होगा कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपके पास रेड कलर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल है तो ब्लू कलर देता है, और 3 डिग्री के साथ क्या देता है, कलरलेस या फिर व्हाइट कलर देता है। ठीक है, आरबीसी आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पे जब हम रिएक्शन की थी, तो रिएक्शन के सिक्वेंस में एक चीज और आई थी कि यहाँ पे जैसे कि RCH2NO2 लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं HONO2 के साथ रिएक्शन करता हूँ, HONO के साथ रिएक्शन कराए मतलब HNO2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो HNO2 के साथ रिएक्शन में यहाँ से H2 हट जाता है, ठीक है, और H2 हट जाता है तो यहाँ से क्या बन जाता है RCH, यहाँ पे तो NO2 है ही और यहाँ पे क्या आएगा N डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H है तो इसके आगे क्या हो जाएगा टोटोमराइज हो जाता है, ठीक है, और आगे टोटोमराइज हो जाता है और आगे टोटोमराइज हो जाएगा तो आपके पास ये वाला बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा एक तरह से यहाँ पे NO2 रहेगा, ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर 2 डिग्री वाला लेते हम, ठीक है, नाइट्रो वाला ग्रुप, अगर 2 डिग्री वाला नाइट्रो वाला ग्रुप लेते, ठीक है, 2 डिग्री वाला नाइट्रो वाला ग्रुप में आपके पास HONO होता, ठीक है, यहाँ से H2 हटता और H2 हटता तो यहाँ से क्या बन जाता RCR, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा N डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से NO2, इसके आगे इसका टोटो नहीं हो पाता, ठीक है, टोटो आगे नहीं हो पाता, ठीक है, तो RBC तो 2 डिग्री के साथ ये बेसिकली कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, कौन सा कलर देता है ब्लू, ठीक है, तो आप देखो 2 डिग्री नाइट्रो वाला ग्रुप कौन सा है, देखो ये तो 1 डिग्री वाला, ये वाला 2 डिग्री वाला, इसलिए आपके पास कौन सा आएगा फोर्थ वाला आंसर, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते आगे, देखिए बेटा आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको देखो ये वाला जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जल्दी क्या होता है आपके पास क्या होता है वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं उसमें SN1 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में आपके पास क्या बनता है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, तो यहाँ पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो तो आगे रीअरेंजमेंट होगा, इसको आप यहाँ पे रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज करोगे तो न्यू कार्बोकेटाइन ये वाला बन जाएगा, उसके बाद में CH3 वो अटैक करेगा और उसके बाद में CH3 वो अटैक करेगा तो कौन सा आएगा सेकंड वाला सर, अच्छा ठीक है भाई, अच्छा जब का साइन नहीं है एलिमिनेशन रिएक्शन आपको करवानी नहीं, ठीक है, चलो आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस, तो ये वाले कंपाउंड में आपको बताना है कि भाई ऐसा कोई सीक्वेंस दे रखा है 16 वाले पर B2SH THF के साथ रिएक्शन करिए H2O, ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप तो ये ध्यान रखिए ये क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए B2SH जो है वो इसको रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, वापस मेरी बात को रिपीट कर लेता हूँ कि B2SH जो है वो किसको कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेता है, तो देखो सबसे पहले तो एल्कोहल में कन्वर्ट कराना ही, तो आपके पास एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, आगे देखिए फिर बाद में B2SH किसके साथ रिएक्शन होता है, ठीक है ना, अल्किन के साथ, और अल्किन के साथ रिएक्शन में एंटी मार्कोनी का एडिशन होता है, ठीक है, तो एंटी मार्कोनी का एडिशन के कारण यहाँ पे आपके पास क्या इस जगह पे डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, तो यहाँ पे ये थ्राइस 3 बार आपके पास बी जुड़ जाएगा, पहले एक बार जुड़ेगा फिर 2 बार फिर 3 बार, ठीक है, तो ये वाला तो ए जो आएगा वो आपके पास कौन सा आएगा ये थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है, आगे देखिए आगे फिर बाद में ये तो आपके पास क्या होगा हाइड्रोबोरेशन हो गया यहाँ का, उसके बाद में ये वाला स्टेप होगा ऑक्सीडेशन का और ये वाला स्टेप होगा रिडक्शन का, और रिडक्शन के स्टेप में आपके पास क्या होगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगी ये वाला, ठीक है, तो इस जगह पे आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगी पूरा हट जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा मतलब ये वाला बन जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर होगा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन में क्या होगा यहाँ पे OH जुड़ेगी तो इस जगह पे आपके पास OH आएगी, तो सेकेंड वाला जो होगा वो कौन सा होगा आपके पास बी वाला और फर्स्ट वाला होगा सी वाला, ठीक है, और ये वाला जो होगा ए वाला वो आपके पास कौन सा होगा थर्ड वाला, आपको पूछा है कि ABC क्या है, ठीक है, क्या पूछा गया ABC क्या है, तो ए तो जो होगा अपने पास कौन सा होगा बताइए ए थर्ड वाला, तो थर्ड वाला ए इसमें आ, ठीक है, बी जो होगा वो आपके पास कौन सा होगा बी जो होगा वो सेकंड होगा, बी वाला सेकंड ही आ रहा है और फिर बाद में ये हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा बेटा कौन सा थर्ड वाला आंसर आ जाए, ठीक, चलो नेक्स्ट चलते आगे देखिए फिर बाद में फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे भी रिएक्शन का सीक्वेंस दे रखा है, कुछ नहीं एकदम सिंपल, ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करें इसकी, ठीक है ना, यहाँ पे फिनॉल दे रखा है, ठीक है, इस फिनॉल की अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊँ H2+NH तो ये बेंजीन रिंग इन जनरल रिड्यूस होती नहीं आराम से, लेकिन यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा दे रखा है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, फिर बाद में अगर कॉपरेटिव लेते तो कॉपरेटिव क्या करता है डीहाइड्रोजनेशन करता है, तो ये इसको किसमें सी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, फिर बाद में अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करोगे कीटोन की तो आपके पास क्या होगा डीहाइड्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा ये वाला, ठीक है, और आगे वाला जो प्रोसेस है वो क्या है बैकमन रीअरेंजमेंट, ठीक है, और आपने बैकमन रीअरेंजमेंट देखा होगा, बैकमन रीअरेंजमेंट से आपके पास कौन सा कैप्रोलैक्टम बन जाएगा
इसका मतलब आपका आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपको पूछा क्या गया है कि सोडियम सल्फेट दे रखा है भाई, ध्यान दें सोडियम सल्फेट था और वो भी एक्वस, एक्वस मतलब साथ में वाटर है, इसका आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जाहिर सी बात है पहले आपके पास इसमें इसको किस में तोड़ोगे, SO4 माइनस टू Na प्लस में। ठीक है, कैथोड पे कैटाइन जाएगा एन एन जाएगा, कैथोड पे आपके पास कैटाइन जाएगा और एनोड में आपके पास क्या जाएगा एनएन। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन कैथोड पे आपके पास एच टू भी तो मौजूद है। ठीक है, तो एन ए प्लस और एच टू की अगर बात करें तो रिडक्शन आराम से किसका होता है, एन ए प्लस का नहीं होता, एच टू का रिडक्शन होता है, एच टू का रिडक्शन होता है तो एच प्लस वन वाला जो है वो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर ले। ठीक है, तो ये तय हो गया कि कैथोड पे तो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक, आगे देखिए SO4 माइनस टू, अब SO4 माइनस टू एनोड पे जाएगा। ठीक है, SO4 माइनस टू और एनोड पे वाटर भी मौजूद है एक्वस सॉल्यूशन, तो वाटर और SO4 माइनस टू के बीच में कंपटीशन होगा और आराम से ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी होती है, वाटर की ज्यादा होती है, तो वाटर का O माइनस टू जो है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, O2 में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे एनोड पे तो O2 मिलेगी और कैथोड पे क्या मिलेगी, H2। तो एयर कैथोड H2 लिबरेट, एनोड H2 लिबरेट, इसलिए आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला, बोथ वन एंड थ्री वाला ऑप्शन आ जाए। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, आगे क्या करें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। अगेन मेरी बात को रिपीट कर लेता हूं कि जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि म्यू की वैल्यू होती है अंडर रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक, चलो एक एक करके बात करते हैं, एफ ई सी एन सिक्स की बात करूंगी, एफ ई सी एन सिक्स माइनस फोर। ठीक है, इसके अंदर एफ ई की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, प्लस टू आ रही है। ठीक है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, D6S2 होता है, लेकिन यहाँ पे Fe प्लस टू में तो यहाँ पे D6S0 हो जाएगा। ठीक है, D6S0, तो D के आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, D के 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, अब देखो एंड 6, अब यहाँ पे Cn क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसकी पेयरिंग करा देगा, तो इसकी अगर पेयरिंग कराऊँ तो एक यहाँ आएगा, इसकी पेयरिंग कराऊँ तो यहाँ आएगा, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन बचाएंगे तो FeCn6- में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, जीरो आएंगे, तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो आएंगे। बात करते हैं CuCl4- माइनस को, ठीक है, CuCl4- माइनस, ठीक है, अब देखिए Cu+, यहाँ पे Cu+2, तो Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बताइए, D7S0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो D7S0 के अंदर ध्यान देखिए, यहाँ पे अगर बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ठीक है, और ये Cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो इसकी पेयरिंग नहीं होगी, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तीन आएंगे, तो इसके केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आएंगे, तीन आए। ठीक है, MnCl4- माइनस टू की बात करें, MnCl4- माइनस टू, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें Mn+2, Mn+2 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, D5S0 हो जाएगा। ठीक है, D के पांच इलेक्ट्रॉन, D के पांच इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, पांचों के पांचों अनपेड है और ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है Cl, और अगर Cl वीक फील्ड लिगेंड है इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी, तो पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अंदर पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका होगा, मैग्नेटिक मोमेंट MnCl4- का, उसके बाद में CuCl4- को, उसके बाद में FeCl4- का, इसलिए आंसर कौन सा है बेटा, फोर्थ वाला आंसर आ जाए। ठीक है, चलो आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बेटा, यस आपको क्या पूछा है, वेपर बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का आपको ऑर्डर बता रहे, इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अमोनिया यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, क्योंकि अमोनिया के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया की अगर बात करें ना, तो अमोनिया में आपके पास कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑल ओवर अगर बात करते आपको याद रखना सीधा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अमोनिया है। ठीक है, नाना पापा पीएस3 आंसू सब एंड बीमार, ठीक है, ये वाला अमोनिया इसके बीच में आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट BaS3 का, उसके बाद में इसका, उसके बाद में अमोनिया का, उसके बाद में ESS3 का, उसके बाद में क्या आएगा, PS3 का आएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, BaS3, उसके बाद में SbS3, उसके बाद में SbS3 के बाद में क्या आएगा, अमोनिया है। तो इसलिए आंसर कौन सा आएगा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं, यस नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, NaBH4 देखिए बेटा, NaBH4 दे रखा है। ठीक है, NaBH4 ये इसको C डबल बॉन्डों को रिड्यूस कर लेगा, तो C डबल बॉन्डों को रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे CH2H, यहाँ पे क्या आएगा, CHO आएगा,
आगे भी सी एच ओ एच, आगे भी सी एच ओ एच, कितनी बार आगे, कितनी बार आगे भाई, एक दो तीन, एक दो तीन, आगे भी एक बार सी एच ओ एच, और यहाँ पे क्या आएगा सी एच टू ओ एच आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर कायरल कार्बन की बात करें ना, तो चार आपके पास कायरल कार्बन आएंगे, ठीक है। और फॉर्मूला ये सिमेट्रिकल का फॉर्मूला लगेगा, और सिमेट्रिकल का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर जो होंगे वो कितने आएंगे, 10 के बराबर आ जाएंगे। अनसिमेट्रिकल में होता तो डायरेक्ट ऊपर एंड का फॉर्मूला लगा, ठीक है। तो इसमें अनसिमेट्रिकल वाला हम ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिकल का 2^(n-1+2)/(n)/2-1) का फॉर्मूला लगाओगे तो वैल्यू कितनी आएंगी, 10 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम। सम ऑफ द स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट आर गिवन, हाउ मेनी दीज आर, आपको कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना, ठीक है। तो पहला क्या है, इन वैकेंसी डिपेंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिख लीजिए, सही बात है, क्योंकि वहां पे कुछ जो है आपके पास कंस्ट्रेंट्स जो है वो भर जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में इंटरस्टीशियल इफेक्ट में एक्स्ट्रा आते, तो एक्स्ट्रा आते इसलिए इंक्रीज होते, उसमें डिक्रीज होते, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, वैकेंसी एंड इंटरस्टीशियल डिफेक्ट आर शोन बाय नॉन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। वैकेंसी एंड इंस्ट, हाँ ठीक ये बात ठीक है। फ्रैंकल एंड शॉर्ट की जो होता है वो आयनिक द्वारा शो होता है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट ऑलवेज अपीयर इन आयनिक सॉलिड, सही बात, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज डेंसिटी, गलत था, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, शॉर्ट की में डेंसिटी डिक्रीज होती है, जबकि फ्रैंकल में फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, थ्री स्टेटमेंट सही, ठीक है। चलो आगे चलिए, एज्यूमिंग डेट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टोटल प्रेशर जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस KH। अब वैसे तो आपने हेनरी का नियम लगाया होगा इसमें, ठीक है। तो हेनरी का नियम का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना, एक और फॉर्मूला होता है मोलरिटी डिवाइड बाय, आपके पास जो होता है प्रेशर इज इक्वल टू KH के बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हेनरी कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास इसकी यूनिट को देखी, वो कंसंट्रेशन अपॉन प्रेशर के टर्म में दे रही है, ठीक है। वैल्यू जो दे रखी है ना, यहाँ पे ऊपर क्या है मोलरिटी, और नीचे आपके पास क्या है mm of Hg दे रखा, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर के टर्म में दे रही है। तो यहाँ पे हेनरी कॉन्स्टेंट को डिफाइन करेंगे m by p से, मोलरिटी मोलरिटी डिवाइड बाय प्रेशर से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो हम बात करें, हमको निकालना क्या है, कंसंट्रेशन निकालना, ठीक है ना। पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ x मतलब ये कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो m की वैल्यू निकालना, m इज इक्वल टू k इनटू प्रेशर, ठीक है। पहले kh की वैल्यू लिखते हैं, तो kh की वैल्यू होती है 8.42 × 10⁻⁷ दे रही है, ठीक है। चलो फिर बाद में आपके पास यहाँ पे अगर बात करें इसकी प्रेशर, तो प्रेशर आपको किसका लेना है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर लेना है। पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इंटू टू पी टोटल, मोल फ्रैक्शन है 0.78 × p टोटल कितना है 1 के बराबर, ठीक है। लेकिन ये वाली वैल्यू किसमें आएगी, एटीएम आएगी, हमको किस में चाहिए, एमएमआईजी में चाहिए, तो इसको 760 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आपके पास जो भी आती है अप्रोक्सीमेटली 4.99 × 10⁴ के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 4.9 × 10⁴ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 4 के बराबर आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट देखिए अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर कंडेंसेशन 0.1 एम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 0.1 एम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंसंट्रेशन इतना दे रखा है, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ये दे रही है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा इन्फिनिटी, ठीक है। लेमडा एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे और इन्फिनिटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताइए। अल्फा की वैल्यू जो आएगी अपने पास, यहाँ से आप निकाल दो लैम्डा से 9.54, और यहाँ से अल्फा इन्फिनिटी आएगी 238 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से अल्फा है, लेकिन ये वाला जो अल्फा जो आ रहा है बेटा वो कहाँ पे आ रहा है, 0.1 एम कंसंट्रेशन का है। आपको पूछा क्या गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकालनी, 0.4 एम पे निकालनी। तो आपको पता है के की तो वैल्यू आपको सेम रखनी, के बराबर क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। के अगर अल्फा आपकी वैल्यू कम मानते हो तो सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए हम सी वन अल्फा वन का स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू अल्फा टू स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, दोनों की वैल्यू बराबर कर लेंगे, ठीक है। सी वन किस कंसंट्रेशन में निकालना है, सी वन यहाँ पे दे रखा है 0.1 पर, 0.1 पे आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी दे रही है, 9.54 × 238 की पावर कितना है, 2 इज इक्वल टू सी टू अपने पास कितना दे रहेगा, 0.4 पे अल्फा टू की वैल्यू निकाल, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए।
यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, अल्फा टू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। और उसको 100 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि परसेंटेज के टर्म में पूछिए, इसलिए आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। यस, क्या कह रहे हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। आपको ये पूछा गया कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज किया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए। वैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट को H2SO4 के फॉर्मेशन भी होता है, जिसमें एक स्टेप ये भी होता है कि SO2O2 के साथ रिएक्शन करके SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन दिस, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन O2 के टर्म्स में आपके पास दे रखी है मोल पर लीटर में, जबकि यहाँ पे डिसअपीयरेंस जो दे रखा है वो ग्राम पर लीटर के टर्म में दे रखा है। किसमें दे रखा है, ग्राम पर लीटर पर सेकंड। यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हम क्या कर निकाल सकते, इस एक्सप्रेशन से हम ये कह सकते हैं कि रेट जो होगी माइनस डी माइनस वन बाई, ठीक है, डी एस ओ टू डिवाइड बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी माइनस डी ओ टू डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। चलो देखते हैं, अब देखिए डी ओ टू डिवाइड बाई डी टी जो है वो वैल्यू अपने पास ये वाली दे रही है, तो यहाँ से मैं क्या लिख लूंगा 2.5 इंटू 10 रेज की पावर कितना आएगा, माइनस 4 आएगा, ये देगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस ये 1/2 है ये अपने पास, ठीक है, फिर ये वाली जो वैल्यू है वो अपने पास ये वाली दे रही है, यहाँ पे होगा 3.2 इंटू 10 माइनस एक्स, लेकिन बेटा ध्यान दें ये ग्राम पर लीटर में दे रही है, हमको मोल पर लीटर में चाहिए, तो मोल किसका लेना पड़ेगा, एसओ टू का, तो एसओ टू का मोलर मास कितना होगा 64, इसको 64 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 64 से डिवाइड करोगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे आप क्या निकाल दोगे, आराम से एक्स की वैल्यू निकाल, ठीक है बेटा। चलो, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन ऑनलाइन DTS मेजर 2 में बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें फुल सिलेबस मतलब कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो माई सेल रिंकेश कुमार गुप्ता, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो सेक्शन ए में क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला गया है, एक इंटीग्रेशन गिवन है आपको 0 से NCR फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर साइन स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स dx इज इक्वल टू। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना अपन को, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फंक्शन चाहे कुछ भी हो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड ऑलवेज बेटा 1 होगा। तो अगर इसका पीरियड बने आप तो क्या कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप नॉर्मली सोचते हो ये 0 से NCR है तो NCR की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना इंटीजर, तो फ्रैक्शनल पार्ट को जब भी अपन को फ्रैक्शनल पार्ट का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं इसको स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। बट जब आप इसको स्टेप में कन्वर्ट करोगे तो स्टेप फंक्शन ऑलवेज इंटीजर पे आपका क्या होगा, ब्रेक होगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि 0 से NCR में तो इनफाइनाइट पॉइंट क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, तो इसको मेनी टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि जब भी आपको प्रॉपर्टी 3 को मतलब स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी को मोर देन 3 या 5 टाइम्स से ज्यादा यूज करना पड़े तो आप ट्राई करो या सोचो उसके बारे में कि फंक्शन कहीं पीरियडिक तो नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शन आपका पीरियडिक है तो पीरियडिक प्रॉपर्टी से अपन लोअर लिमिट को लिस्ट कर सकते हैं। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे इसका पीरियड बने तो आप सबने एक प्रॉपर्टी रीड की होगी बेटा, 0 से NT fx dx इक्वल टू, अगर fx का पीरियड t है तो अपन n को मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, तो n 0 से t fx into dx। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड अगर 1 है तो इस NCR को into 1 लगा तो दिक्कत क्या है, तो NCR तो आगे मल्टीप्लाई में क्वेश्चन आ गया 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो इसके बाद क्या करना है क्वेश्चन में अपन को, तो एक सिंपल क्वेश्चन आ गया i इक्वल टू NCR तो आ गया मल्टीप्लाई में और लिमिट क्या होगी 0 से 1। अब लिमिट अगर 0 से 1 है तो अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ले सकते हैं x माइनस स्टेप x, इसमें x की जगह तो क्या लेना है sin स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस स्टेप sin स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये GI फंक्शन जा रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दें, 0 से 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ओपन ब्रैकेट 0 टू 1 मतलब इस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी 0 टू 1, 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट 0 से 1 है तो साइन के अंदर अगर इनपुट 0 टू 1 है तो साइन की वैल्यू क्या होगी 0 से 1 के बिटवीन, और 0 से 1 के बिटवीन का स्टेप लोगे आप जीआई फंक्शन लोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो ये जो पार्ट है ये तो चला गया आपका 0 में, तो रिमेनिंग पार्ट
एनसीआर 07 और एक बात और लिख देते सीधा 07 में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं ये प्रॉपर्टी पता होगा तो 07 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो एक्स ही होगा ऑटोमेटिक तो क्या आ गया क्वेश्चन 07 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अब सिंपल सी बात है इसका तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या करते हैं साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन के लिए पहले इसको कॉस के डबल एंगल में कन्वर्ट करो तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बेटा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स तो देन ये क्या आ गया इक्वल टू एन सी आर ये अपॉन में 2 को तो y 2 कर दो और देखो ब्लैक बोर्ड पे 1 का इंटीग्रेशन x होगा और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x upon 2 और sin 2x को ले सकते हो आप 2 sin x cos x तो 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया sin x into cos x और लिमिट लगाओगे 0 से 1 तो 1 पुट करने पे तो आ गया 1 minus sin 1 cos 1 और 0 पुट करने पे sin 0 0 x 0 तो हटा दो तो सिंपल क्या आ गया आंसर 1 by 2 ncr 1 minus sin 1 cos 1 तो इसके अकॉर्डिंग देखो इसका कौन सा ऑप्शन मैच करने वाला ncr 1 by 2 1 minus sin 1 cos 1 तो इसका थर्ड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा ठीक है चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन सेकंड में तो सिंपल एक इंटीग्रेशन करना अपन को ठीक है तो देखो करते हैं इसको देखो इसमें क्या करना चाहिए जितना मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स अपॉन देखो ब्लैक बोर्ड पे इस साइन स्क्वायर टू एक्स में फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं टू साइन एक्स कोस एक्स का ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एक काम करो दिस पार्ट और दिस पार्ट में से कॉमन लो आप 2 sin स्क्वायर x तो जब आप दिस पार्ट में से 2 sin स्क्वायर x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1 sin कॉमन तो cos x अपॉन दिस पार्ट इज cot x यस सर और दिस पार्ट आने के बाद इधर देखो जैसे अगर अपन बात करें ये x प्लस cos cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 minus cos स्क्वायर x तो देखो बेटा आप इस sin स्क्वायर x को मतलब साइन स्क्वायर एक्स को दिस पार्ट से सेपरेट कर दो डिवाइड तो जब आप इसको दिस पार्ट से सेपरेट डिवाइड करोगे तो क्या करना है ये टू तो कांस्टेंट है बाहर ले लो इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन इस साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट डिवाइड करो तो साइन स्क्वायर तो आ गया 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस कोट एक्स बोलो ये सुनो और इतना आने के बाद अब आपको डायरेक्ट पता चल गया होगा कि इस डिनोमीटर वाले पार्ट को टी लेट करोगे तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी डी टी में चला गया तो क्या बन गया डी टी अपॉन टी तो इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा लॉग ऑफ टी और लॉग ऑफ टी का मीनिंग दिस पार्ट तो ये आ गया आई इक्वल टू 1 बाई 2 एलएन एक्स प्लस कोट एक्स ये आने के बाद अब देखो जो ऑप्शन है ना आई इक्वल टू 1 बाई 2 एलएन ये तो है ही नहीं इसके अंदर ऑप्शन तो इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो मैच नहीं करता फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर दो देखो इसमें प्लस सी भी आएगा तो प्लस सी लगा देना कोई दिक्कत नहीं है प्लस सी लगाने के बाद देखो क्या करना है एक काम कर सकते हैं इसको कर दो टू से मल्टीप्लाई जब आप इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा टू आई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस कोटेक्स एक्स प्लस कोटेक्स के बाद देखो क्या करें इस सी को उधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो क्या जाएगा इसको माइनस सी कर दो तो प्लस कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये माइनस सी तो लेट कर आ गया प्लस के सर ये आने के बाद इधर आए इस लॉग को उधर लेके आओगे तो क्या आएगा ई की पावर सी प्लस टू आई तो दोनों पे पावर लगा सकते हैं सेपरेट और ये आ गया इक्वल टू एक्स प्लस कोट एक्स और ये ई की पावर सी को दोबारा से लिखने में क्या दिक्कत है ये भी तो एक कॉन्स्टेंट है ना तो अगर c e की पावर जिस फॉर्मेट में गिवन है उसी फॉर्मेट में लाने की ट्राई करोगे x प्लस ये इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं आंसर तो ऐसा भी ऑप्शन नहीं है इसमें इसमें क्या किया इसने हर ऑप्शन को साइन कोस में कन्वर्ट किया है तो इसको लिखोगे cos अपॉन sin तो sin इधर आ गया sin इधर चला गया तो क्या बन गया c sin x e की पावर 2y इक्वल टू x sin x प्लस cos x तो देन इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन क्या करेगा मैच करने वाला तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप इफ ए इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड cos x एंड y इक्वल टू दिस पार्ट इन 0 से 2 पाई देन वैल्यू ऑफ ay 2 + 2 तो देखो क्या करना है इसमें सिंपल जब भी आपको एरिया बाउंडेड बाय फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे डायग्राम ड्रॉ कर दो और क्या
चलो अपन दोनों का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो ब्लैक बोर्ड पे तो 0 से 2 पाई में मोड कोस का डायग्राम तो कैसे होगा? ऐसे, फिर ऐसे और बाद में ऐसे। ये 2 पाई है, ये पॉइंट आपका पाई होगा, ये पाई बाई 2 3 पाई और 0 आ गया। 0 पे वैल्यू क्या होगी? कोस की 1, और 2 पाई पे वैल्यू क्या होगी? अगेन 2 पाई के रिगार्डिंग व्हील कोस की होती है, ठीक है। अब ये आने के बाद देखो आगे क्या रहा। तो अपन को इस पार्ट का डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इसके डायग्राम को ड्रॉ करने का देखो बेटर ऑप्शन तो क्या है, इसको पाई पे ओपन करना चाहिए अपन को। तो पाई पे अगर 2 की स्लाइस करोगे तो एक्स अगर पाई से ग्रेटर है तो ये मोड आपका प्लस के साथ ओपन होगा ना। तो जब इसको प्लस के साथ ओपन करोगे आप तो ये एज भी जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखो, ये जाएगा 9 माइनस 4x अपॉन पाई, और x को पाई से लेस लोगे आप तो माइनस के साथ ओपन, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये प्लस बन गया, तो आ गया 1 प्लस 4x अपॉन पाई। ये y दोनों सेपरेट कर दिए। अब अपन इन दोनों का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो पाई से लेस मतलब 0 से पाई, तो 0 से पाई में क्या एक लाइन है ना, तो डायग्राम कैसे करोगे? x को 0 पुट करोगे तो y बना रहा है, मतलब ये इस पॉइंट से पास होगी लाइन, और x को पाई लोगे तो पाई अपॉन पाई कैंसिल, तो 1 प्लस 4 5 आ गया, मतलब पाई की रिगार्डिंग वैल्यू क्या होगी? 5। ये लाइन आपकी ऐसे बनेगी, ये पाई की रिगार्डिंग वैल्यू इसकी 5 है। ध्यान रखना बेटा, इसका यूज हो सकता है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या करना, पाई से 2 पाई की बात करोगे तो पाई पुट करने पे तो अगेन 5 आ गया, ये लो भाई, और 2 पाई पुट करोगे तो 8 बन आ गए, तो 2 पाई की रिगार्डिंग वैल्यू अगेन बने, ये लो बहुत अच्छा हो गया, ये इसका डायग्राम बन गया, ठीक है। इन दोनों से बाउंडेड बाय जो एरिया होगा वो कौन सा होगा? इन दोनों से बाउंडेड बाय एरिया वो ये बीच वाला हो गया आपका, ठीक है। तो ये एरिया आपको करना है कैलकुलेट। तो देखो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या टिक लगानी है, या टेक्निक लगानी है, देखो ब्लैक बोर्ड पे सभी इधर आओ सर। एक मिनट तो क्या है कि नॉर्मल इंटीग्रेशन से करो, 0 से पाई में अपर का माइनस लोअर का अप टू सो, और इसको अपन एक ज्योमेट्री से कर सकते हैं। देखो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये जो मैंने रेड पेन से ड्रॉ किया ये वाला पार्ट, ये देखो एक ट्रेपीजियम है और ये भी एक ट्रेपीजियम बन गया, और दोनों ट्रेपीजियम का एरिया सेम है क्योंकि ये लेंथ 1 है, ये 1 है, ये 5 है, और ये दोनों में कॉमन है। तो क्या करना है, इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया सेम होगा तो दिस ट्रेपीजियम और दिस ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करो, लट ट्वाइस हो गया, और बाद में ये जो 0 से 2 पाई में इस कोस का एरिया है इसको सेपरेट कर दो, तो अपर पार्ट का एरिया आ गया ना। और ये आपको पता है 0 से पाई बाई 2 में कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो 1 होता है, तो ये भी 1, ये 2 और ये 1, तो 0 से 2 पाई में मोड कोस एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये एरिया तो आपका आ गया 4, और इस कंप्लीट पार्ट का जो एरिया वो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 1 बाई 2 ट्रेपीजियम के एरिया क्या होगा? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो पैरेलल साइड क्या होगी, ये डिस्टेंस 1 है, ये 5 है, तो इनका सम क्या आ गया? 6 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? पाई है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? 6 पाई। तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या होगा? 6 पाई माइनस के 4। क्वेश्चन ने किसकी वैल्यू पूछी है? ए बाई 2 प्लस 2, तो ये एरिया ए बोला गया, तो इसका ए बाई 2 कितना होगा? इसका ए बाई 2 आ गया 3 पाई माइनस 2, तो इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो देन इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा? 3 पाई। तो इसका फर्स्ट आंसर आपको टिक करना, ठीक है। तो ज्योमेट्री से करोगे तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, अदरवाइज इंटीग्रेशन से करोगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में तो क्या करना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो चलो करते हैं ट्राई। अब देखो ये इसमें अपन इसमें एक्स और वाई दोनों मिक्स है, मतलब इसको आप वेरिएबल सेपरेशन से ट्राई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप बात करोगे होमोजिनाइजेशन की या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसमें देखो डिग्रीज अलग है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, तो आगे देखो मत, तो डिग्री डिफरेंट है तो ये होमोजीनियस भी नहीं होगी। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, इसको dy dx plus pxy equal to qx की फॉर्मेट में लाने की ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर ये फॉर्म नहीं हो तो फिर dx upon dy
PYX इक्वल टू QY में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन एक काम करते हैं, इसको DY/DX की फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, क्योंकि रेसिप्रोकल करने से क्या गया, DY/DX इक्वल टू क्या लिखना बोलो, DY/DX इक्वल टू 1 प्लस x e की पावर y cos x स्क्वायर अपॉन x। अब आप क्या करो, x से करो सेपरेट डिवाइड। तो देखो ये आ गया DY/DX, और अपन को पता है जब भी DY/DX की फॉर्मेट हो तो इधर y की टर्म आनी चाहिए। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे जब आप इसको सेपरेट डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 1/x आ गया, इसको ले आओ इधर, और इक्वल टू आ गया e की पावर y x x कैंसिल cos x स्क्वायर। ये आने के बाद देखो जो DY/DX इधर x की टर्म होनी चाहिए और साथ के साथ y आना चाहिए, और राइट साइड में ओनली फंक्शन ऑफ x, तो e की पावर y प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। काम करो e की पावर y को डिवाइड करोगे तो इधर आ गया e की पावर माइनस y, इधर भी आ गया e की पावर माइनस y। तो देन आपका क्वेश्चन आ गया बेटा, e की पावर माइनस y DY/DX माइनस e की पावर माइनस y अपॉन x इक्वल टू cos x स्क्वायर। अब दिस पार्ट आने के बाद सिंपल सी बात है कि जब ये DY/DX है, ये y है तो इधर y होना चाहिए। तो एक काम करो, इधर y है बट इधर तो e की पावर माइनस y है, तो एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और इधर DY/DX है तो उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसके बाद जो अपन पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका अगला पार्ट है बर्नौली इक्वेशन। उस बर्नौली इक्वेशन की हेल्प से आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा कन्वर्ट कर सकते हो। तो देन आप क्या करोगे, इसमें ये प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए कि देन आपको क्या करना है, e की पावर माइनस y को t लेट करो। तो e की पावर माइनस y को जब t कंसीडर करोगे तो क्या गया इसका डिफरेंशिएशन, e की पावर माइनस y का e पर माइनस y, और माइनस y का माइनस के DY/DX, तो माइनस को शिफ्ट कर दो, तो देन e की पावर माइनस y DY/DX की वैल्यू को पुट करोगे माइनस के dty/dx। तो क्वेश्चन आ गया माइनस के dty/dx माइनस t अपॉन x इक्वल टू cos x स्क्वायर। अब क्या करना है, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दें, तो माइनस को जब आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं बाहर से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्वेश्चन आ गया dt / dx + 1 / x t इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर। तो आ गया ना dt / dx तो t, तो t आ गया, और ये dx है तो 1 upon x, तो ये x का फंक्शन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लगता है इसका, याद है आपको, e की पावर इंटीग्रेशन px dx, तो 1/x dx, 1 upon x का इंटीग्रेशन log x, तो क्या आ गया e की पावर ln x। तो आपको पता है e की पावर है तो ln x से ln कैंसिल, तो x आ गया, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका x। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज फॉर y नहीं लिखना अपन को, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पे दिस पार्ट है, तो tx लिखोगे आप, तो क्या लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज tx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका x है, और qx qx की वैल्यू क्या, माइनस cos x स्क्वायर, तो क्या आ गया माइनस x cos x स्क्वायर dx। तो सिंपल सी बात है, इसका इंटीग्रेशन सिंपल, x स्क्वायर को p लेट करो तो x dx dp / 2 में चला गया, तो इसकी वैल्यू तो क्या है, e की पावर माइनस y x इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आएगा शायद मेरे अकॉर्डिंग माइनस के 1 / 2 sin x स्क्वायर प्लस, अरे देख लो ना करके, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो ये आना चाहिए sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, ठीक है। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखते हैं ऑप्शन किस फॉर्मेट में गिवन है आपको, 2e की पावर y की फॉर्मेट में, तो 2e की पावर y पे काम करो, इस 2 को ले आओ ना, तो 2e की पावर माइनस y x इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर प्लस t, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग आप जो भी ऑप्शन मैच करता है वो सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। चलो अब अपन बात करते हैं उसके बाद, इसने देवी इसी फॉर्मेट में रखा है c माइनस साइन x स्क्वायर, ठीक है, इसने माइनस ही किया, काम कर सकते हो आप प्लस ही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो इसने e की पावर माइनस y को इसके डिवाइड में ले आए, तो क्या आ गया क्वेश्चन, 2x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अपन 2x इक्वल टू c माइनस ये इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या बोला गया है, एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑफ ए की पावर माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एक फंक्शन एफ एक्स का इन दोनों का मिनिमम लेना है अपन को। कैपिटल सी एंड कैपिटल डी आर नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिस्कंटीन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल रेस्पेक्टिवली, देन सी प्लस डी, मतलब डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की जो पॉइंट्स है उनकी काउंटिंग का सम बताना आपको। तो देखो क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पे अपने एक काम करते हैं, दोनों का सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं और उनका मिनिमम पार्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डायग्राम तो सिंपल है, जो आप सबको पता होगा। उसके बाद अपन को e की पावर माइनस एक्स के फ्रैक्शनल पार्ट का डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो क्या करोगे, इसमें सेपरेट देखते हैं, e की पावर माइनस एक्स का जो डायग्राम है और आपको जो इंटरवल गिवन है 0 से 10 है, मतलब 0 से 10 की बात करोगे तो 0 से ग्रेटर में जो e की पावर माइनस एक्स का डायग्राम बेटा वो ऐसे होगा और 0 पे वैल्यू क्या आती है बना दी। तो एक सिंपल सी बात ये होगी ना कि 0 से ग्रेटर में e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 और 1 से लेस, 0 पे 1 होगी, क्या दिक्कत है, 0 पे क्या होगी 1 होगी, 0 से 10 है तो 0 पे जब ये 1 होगी और बाद में वैल्यू 1 से लेस है तो फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट सेम ही होगा ना। अरे यार 0 से लेस का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो सेम ही होगा, मतलब इसका अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट भी लगा दोगे तो भी डायग्राम सेम ही बनेगा e की पावर माइनस एक्स का। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डायग्राम तो कैसे बनाते हैं, 0 पे वैल्यू 0 होगी, फिर 1 पे डायग्राम स्प्लिट हुआ, फिर दोबारा इधर आ गया, फिर दोबारा ऐसे बाकी स्प्लिट होगा, फिर दोबारा इधर आएगा, फिर अगेन स्प्लिट, ये आपको पता होना चाहिए। और ये प्रोग्रामिंग ऐसे 10 तक चलती रहेगी, इतना सफिशिएंट है समझे, 1, 2, 3 और 4। अब अपन बात करते हैं e की पावर दिस पार्ट का डायग्राम, तो इसका डायग्राम तो क्या बनेगा ऐसे ही हो सिंपल, x को अगर आप 0 लेते हो e की पावर 0 होगा और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, तो 0 पे तो वैल्यू 0 आने वाली, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट अगेन इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, तो देन ये से चलता रहेगा। अब अपन को क्या लेना, मिनिमम को लो दोनों के नीचे वाला पोर्शन, तो जब आप इसका मिनिमम लोगे तो इसका मिनिमम कौन सा आएगा, देखो मिनिमम में क्या प्रॉब्लम है, देखो ये नहीं लेना अपन को, थोड़ा सा इसमें इसको हटा दीजिए, थोड़ा ये वाला हटा दो, क्योंकि मिनिमम का मीनिंग क्या, देखो यहां तक तो मिनिमम कौन सा नीचे वाला है और इस पॉइंट तक जो मिनिमम वो कौन सा होगा, ये वाला, फिर आपका अगेन मिनिमम ये वाला होगा, ठीक है, ये स्प्लिट होगा इस पॉइंट पे, ये जो ये वाला पोर्शन लेना अपन को, ठीक है, उसके बाद मिनिमम ये होगा, फिर ये अगेन स्प्लिट हो गए, इसका मिनिमम दोबारा ये आ गया, फिर ये मिनिमम होगा, मतलब नीचे वाला पोर्शन आपका मिनिमम होगा, मतलब जो ये ब्लू पार्ट से अपने ड्रॉ किया ये इसका क्या होगा, मिनिमम पार्ट है। अब देखो इसमें ब्रेकिंग पॉइंट्स कौन कौन से डिस्कंटिन्यूटी के लिए थे, ऐसे आए आप, फिर यूं गए, फिर इधर ब्रेक हो गए, तो एक जंपिंग पॉइंट तो 1 पे आ गया, फिर जंपिंग पॉइंट 2 पे आ गया, फिर ऐसी 3 पे आ जाएगा, फिर 4 पे अप टू सो ऑन आ गया ना, तो टोटल डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट तो कौन होंगे, 1, 2, 3 एंड 10। 0 को नहीं लेना है क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 है, 0 प्लस पे वैल्यू 0 की तरफ टेंड करने वाली, ठीक है, इसका तो रोल ही नहीं है, 1 को तो लेना नहीं है, 0 का फ्रैक्शन 0 ही होगा और 0 प्लस का फ्रैक्शन टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है, 0 पे तो फंक्शन आपका ऑलवेज कंटीन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी की तो टोटल पॉइंट कितना है, c इक्वल टू 10 आ गया। और डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है कि जिन पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो और जहां जंप पॉइंट हो, जंपिंग पॉइंट बोले शार्प कॉर्नर, तो उनको भी क्या बोलते हैं, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट। तो देखो तो जो सी के 10 पॉइंट है ये तो लेने ही लेने अपन को, क्योंकि जिन पॉइंटों पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है उन पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। और उसके बाद देखो ढंग से, ये जो पॉइंट्स है आपके, ये शार्प कॉर्नर है, अरे यार 1, 2, 3 की तो बात हो चुकी ना, ये क्या है, शार्प कॉर्नर है, इन पे डायग्राम ये एक लाइन है और ये एक कर्व जा रहा है बाद में, तो ये क्या होगा, एक शार्प कॉर्नर से आपके, तो देखो 0 से 1 में एक पॉइंट है, 1 से 2 में एक है, 2 से 3 में एक है, फिर 3 से 4 में एक है, तो मतलब 10 पॉइंट्स ही आने वाले हैं, तो टोटल डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट कितने होंगे, 20, तो टोटल आंसर क्या जाएगा इसका, 30, तो देन आपको इसका फोर्थ ऑप्शन टिक करना, ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोला गया, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो से फोर, फोर प्लस सी आई प्लस सिग्मा दिस पार्ट इक्वल टू एक्स सी वाई, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। मतलब कुछ नहीं है, इस एनसीआर को सॉल्व करना है सिग्मा को। तो इधर देखो, अभी इसमें जो आई है ना, ये प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों पे वेरिएबल है, तो अपन एक काम करें एनसीआर रिप्लेस बाय एनसीएन माइनस आर। उससे बेनिफिट क्या होगा कि सफिक्स और प्रीफिक्स में से एक को तो अपन कॉन्स्टेंट बना सकते हैं, और यही काम इसमें करोगे तो क्वेश्चन आ गया आई इक्वल टू जीरो से फोर, फोर प्लस आई सी फोर प्लस सिग्मा जे इक्वल टू सिक्स से नाइन, थ्री प्लस जे सी थ्री। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे आई को जीरो पुट करने पे क्या आ गया, फोर सी फोर, वन लेने पे फाइव सी फोर, टू लेने पे सिक्स सी फोर, और लास्ट में फोर लेने पे जाएगा एट सी फोर। थोड़ा केयरफुली देखना ब्लैक बोर्ड पे, एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। प्लस सेकेंड ब्रैकेट की बात करोगे आप तो देखो सेकेंड ब्रैकेट में क्या करना है आपको, एन जे को सिक्स लोगे तो क्या गया नाइन सी थ्री, अगला होगा टेन सी थ्री, और नेक्स्ट होगा इलेवन सी थ्री, और नाइन पे जाएगा ट्वेल्व सी थ्री। अब थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे देखो करना क्या है, ये फाइव सी फोर है और ये फोर सी फोर है। अब इसको करने की टू टेक्निक्स है, एक टेक्निक तो क्या कोफिशिएंट मेथड से, बट वो लेंथी प्रोसीजर है। इसको अपन डायरेक्ट कर सकते बेटा NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR formula से, इससे इजीली कर सकते हैं। देखो ये आपका 5C4 है, तो इधर सुनो, ये जो 4C4 है इसको ये लिखने में क्या प्रॉब्लम है, 5C5, क्योंकि 4C4 की वैल्यू भी 1 है और 5C5 की वैल्यू 1 है। तो अगर आपने इसको दिस पार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया तो देखो ऐसे समझना, ये क्या बन गया एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये फाइव है तो उससे कम हो गया ना, तो ये समझ आएगा एन प्लस वन सी आर, तो मतलब सिक्स सी फाइव। इसके साथ ये सोल्व होगी क्या बन जाएगा अगेन सेवन सी फाइव। इसका मीनिंग होगा क्या, देखो फाइव सी फोर से जस्ट पहले कौन आ रहा है फाइव सी फाइव, तो ये सिंप्लीफाई होकर दिस पार्ट आ गया। इसके लिए रिमेनिंग पार्ट जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो सिंप्लीफाई होकर क्या देता है सिक्स सी फाइव, मतलब ये इसका सफिक्स एक ज्यादा है। ऐसे ही जब इसकी बात करोगे आप तो ये इससे प्रीवियस टर्म सिंपलीफाई होकर क्या देने वाली है एट सी एक ज्यादा, ये आएगा, तो देन इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा नाइन सी फाइव, तो ये आ गया आपका नाइन सी फाइव। अब अगर ये नाइन सी फाइव आ गया तो अब अपन को आगे थोड़ा इस पर फोकस करना है, इसमें किसी को डाउट है क्या, ये अगर नाइन सी फाइव आ गया तो देखो इसमें कैसे करोगे, जो ये 9C3 है इसको 9C से करने में क्या प्रॉब्लम है, हो गया सर, तो बन गया दोबारा NCR minus 1 plus NCR, मतलब इस बार एक कम आ रहा है, तो इन दोनों का सम किया जाएगा 10C5, यस सर, और इसका मीनिंग क्या है, दोनों 10C4 है ना, और इसका मीनिंग 11C7, और इसका मीनिंग 12C9, इसका यूज करना है इसमें, तो देन आप क्या करोगे बोलो, ये 10C5 है ये 10C4 है, तो ये सम होके क्या जाएगा 11C5, क्या जाएगा 11C5, और ये 11C5 आ गया, ये सॉरी 11 से थी तो 8 आना चाहिए, और 11C5 आने के बाद देन आप अगले वाले पार्ट को भी फर्दर क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो चलो एक बार करके दिखाओ बताओ क्या करना है, देखो आगे क्या करना है, देखो आगे थोड़ा मैच नहीं करा, एक बार दोबारा देखो कोई गड़बड़ी तो नहीं की अपन ने, हाँ इधर आओ 9c5 plus 9c6 कितना होगा 10c6 होगा, सॉरी ये 10c6 होगा, ये 10c6 है, 10c3 का मीनिंग 10c7, हाँ तो फिर ठीक है 10c7 10c6 11c7 आ गया, ये 11c7 है 11c8 है, तो क्या बन जाएगा दोबारा 12c8, और 12C8, 12C9 तो क्या बन जाएगा 13C9, इसका आंसर क्या जाएगा वो 13C9। अब ये आंसर आने के बाद अभी तो इसके ऑप्शन पे काम करना है अपन को 13C9, तो देखो अगर इसको एज इट इज रख दो, इसको सिंपलीफाई करके ये भी ले सकते हैं अपन 13C4,
तो चलो अपन वन बाई वन दोनों की बात करते हैं। इसकी बात करूं तो x तो आ गया 13 और y आ गया 9, और इसकी बात करूं तो x तो आ गया 13 और y आ गया 4। तो x माइनस y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसके रिगार्डिंग तो 9 होगी और इसके रिगार्डिंग 13 माइनस 9 इज 4, तो हाँ मिनी वैल्यू 4 होगी, ये सही ऑप्शन है। इसने पूछा इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ये तो ट्रू हटाओ। मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y, x प्लस वाई की मिनी वैल्यू इससे मिलने वाली है ना, 13 और 4 17, ऐसे 13 और 4 13 और 22 होगी, तो ये भी आपका ट्रू होगा। x माइनस वाई x प्लस वाई विल ऑलवेज बी को प्राइम नंबर। तो देखो जैसे लेट इस ऑप्शन से बात करते हैं, 13 माइनस 9 4 आ गया और ये 22 आ गया, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, सिंपल, आगे जाने की जरूरत नहीं है। x माइनस वाई ऑलवेज स्मॉलर देन x प्लस वाई, सही बात है, कोई भी कोई से पेयर लेके देख लो आप, x माइनस वाई ऑलवेज x प्लस वाई से स्मॉलर होगा, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना है। चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 7, इन ए टेट्राहेड्रन LMNO AG ML MN MO are mutually perpendicular and length of altitudes drawn from OLM OLN two opposite faces are 1, 2, 3 respectively. Then the length of altitude drawn from M to the face LNO. देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, M पॉइंट तीनों में कॉमन है, तो ML, MN, MO are mutually perpendicular. तो ये एज है, एज मतलब एक लाइन है। तो देखो जैसे अपन एक बात करते हैं, कॉर्नर पॉइंट लो आप, अगर इस कॉर्नर पॉइंट को ML एड करोगे तो ML, MN और MO आपके परपेंडिकुलर। तो एक काम करें अपन थोड़ी देर के लिए, ये जो ML, MN, MO है ये थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो अपन M को ओरिजिन लेके काम करते हैं और उसके रिगार्डिंग एक्स वाई जेड एक्सिस को तीनों फेस सिलेक्ट कर लेते हैं, तीनों एज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये लेट आपकी एक्स एक्सिस है, ये लेट आपकी वाई एक्सिस है, ये लेट आपकी जेड है। तो देखो इस पॉइंट को तो एम लेट करोगे, तो एम एल दिस इज लेट एल, एम एन लेट कर दो इसको और एम ओ इसको ओ लेट कर देते हैं। तो देन इसकी बात अगर आप करोगे तो इससे बन गया एक ट्रेपीजियम, सॉरी क्या बन गए, टेट्राहेड्रन, ये 3D कट डायग्राम में जाना, ये मतलब ये एम एल एम एन और एम ओ। अब क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ओ, पॉइंट ओ से अपोजिट फेस। तो देखो ये लाइन आपकी एम ओ है, तो इस पॉइंट ओ का अपोजिट कौन सा होगा, सामने वाला। तो इस अपोजिट फेस पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो पॉइंट ओ से जब अपोजिट फेस पे क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो बेटा वो परपेंडिकुलर आपका एम पॉइंट पे मीट करेगा, मतलब ये लेंथ आपको वन गिवन है। सिमिलरली पॉइंट एल से अगेन अपोजिट फेस पे क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो वो अगेन एम पी मीट करने वाला है, इसका मतलब ये 2 गिवन है और सिमिलरली ये आपको 3 गिवन है। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया कि जो ओ एल एन है ये फेस है ना, ये फेस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 1 लेंथ 2 लेंथ और 3 लेंथ का इंटरसेप्ट कट करता है, ये समझ सकते हैं इसको, और ये आपको सबको पता है। अगर आपको फेस ओ एल एन की अगर इक्वेशन लिखनी है तो क्या एक प्लेन बन गया ना, तो अगर प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस पे एबीसी लेंथ का क्या करता है, इंटरसेप्ट कट, तो देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ए आपका 1 हो गया, तो किसी को भी 1 2 ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया, 3x प्लस 2y प्लस 6z माइनस 6, ये आपके प्लेन की क्वेश्चन है, और ये प्लेन मतलब फेस आ गया आपका ओ एन एल, ये एक पॉसिबल इक्वेशन हो सकती है इस प्लेन की। प्लेन तो बड़ा भी बन सकता नहीं हो, ऐसे कर दो उसको फ्लिप, अपोजिट फेस बोला गया तो अपोजिट फेस तो ऐसे मान लो, क्या दिक्कत है, बस अपन को पर अब यार एक बात बताओ, अगर ये एम एल एम ओ एम ओ एम एन है तो इसके अपोजिट फेस ही हो गया ना, तो इस फेस को आप तीनों एक्सिस के टच करा के लो, दूर लो क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट ओ से जब आप सॉरी पॉइंट एम का मतलब ओरिजिन से जब आप क्या करोगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो वो लेंथ ऑल केसेस में क्या होगी, सेम होगी। तो देखो इसने ये पूछा है कि देन लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम एम टू फेस एलएनओ, तो क्या करना है, पॉइंट एम के ओरिजिन, तो ओरिजिन से इस प्लेन की आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को करना फाइंड आउट। तो क्या करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट पुट कर दो, तो 6 का मोड अपॉन रूट ऑफ
9 13 36 49 14 एंड हेलो कितना जाएगा 6y 7। तो पॉइंट m की अपोजिट फेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी 6/7। तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? दिस कॉमा दिस रिप्रेजेंट्स ए लाइन इन स्पेस देन वैल्यू ऑफ m। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको थोड़ा केयरफुली देखो, ढंग से देखें। ये देखो है क्या है, ये आपका एक प्लेन है, ये भी आपका प्लेन है और ये भी आपका एक प्लेन है। रिप्रेजेंट्स ए लाइन, तो आप सबको पता होगा कि टू प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन आर रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। टू प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन आर रिप्रेजेंट्स ए लाइन। दो प्लेन की अगर कंबाइंड इक्वेशन गिवन है तो वही किसको रिप्रेजेंट करती है, बोलो लाइन को, क्योंकि दो लाइन का सॉरी टू प्लेन अगर आपके नॉन पैरेलल है तो उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज एक लाइन होगी। तो इसने क्या बोला गया है कि रिप्रेजेंट्स ए लाइन। तो देखो फर्स्ट और सेकंड बात को सुना, ये थ्री प्लेन है, तो थ्री प्लेन में अगर अपन पेयर वाइज बात करते हैं पी वन पी टू, तो पी वन पी टू का इंटरसेक्शन भी एक लाइन है, पी टू पी थ्री का इंटरसेक्शन भी लाइन है और पी वन पी थ्री का इंटरसेक्शन भी लाइन है। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये सारे प्लेन आपके इसी लाइन पे लाई करने चाहिए। इसका मीनिंग अगर ये लाइन तीनों प्लेन से पास होती है, बात को सुना ढंग से, ये बोला गया कि दिस पार्ट रिप्रेजेंट ए लाइन इन स्पेस। ये तीनों जो प्लेन है वो एक स्पेस में एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये तीनों प्लेन है ना इसी लाइन से पास होते हैं। इसका मीनिंग इस लाइन पे इन तीनों प्लेनों के इंटरसेक्शन से कितने पॉइंट पास होंगे, इनफाइनिट पॉइंट। बात को सुनो थ्री प्लेन्स है और ये थ्री प्लेन्स लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो टू प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, पी वन पी टू की इंटरसेक्शन की लाइन ही होगी, पी टू पी थ्री की भी लाइन ये होनी चाहिए और पी वन पी थ्री की भी होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये ऑल थ्री प्लेन्स आर पासिंग थ्रू दिस लाइन। इसका मीनिंग इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे, इन तीनों प्लेनों से जो पास होंगे वो इनफाइनिट पॉइंट्स होंगे। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया कि ऑल थ्री प्लेन हैव इनफाइनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आप इसको सेकेंड वे में अगर आप समझो तो ये भी समझ सकते हो कि जो ये थ्री आपको लाइन्स गिवन है ये तीनों होमोजीनियस स्टेट लाइन है। ये जिसका D1, D2, D3 जीरो है, आप सबने पढ़ा होगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का पार्ट है, क्रेमर रूल्स के अंदर पढ़ते हैं इसको आप। ये भी एक लाइन है 3D की, ये 3 वेरिएबल की लाइन है, ये भी 3 वेरिएबल है और ये भी 3 वेरिएबल की स्टेट लाइन है। एक लाइन बोल दो है 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, तो 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन है जिसका D1, D2, D3 जीरो है, तो क्या होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए लाइन, इसका मीनिंग इनडायरेक्टली ये हो गया कि दिस कॉमा दिस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और एक होमोजीनियस डिफरेंशियल सॉरी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो उस केस में क्या करते हैं, उनका डेल्टा जीरो होना चाहिए। डेल्टा का मतलब इनके एक्स वाई जेड से बनने वाले डिटरमिनेंट को जब आप जीरो करोगे तो क्या आएगा, 2 -1 1 एंड -1 1 एंड 2 और m -2 एंड m। देन आप जब डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, m = 5। उसे गुणा भाग घर पे करना जाके, ठीक है, तो m = 2 कैंसिल जाएगा, इसका 5 आंसर आ जाएगा। चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, पाई n = 1 से 10 सिग्मा दिस / सिग्मा दिस की वैल्यू करो फाइंड आउट। कुछ नहीं देखते क्या करना है, पहले इस अंदर वाले सिग्मा को सॉल्व करते हैं। पाई का मीनिंग पढ़ा होगा आपने प्रोडक्ट और सिग्मा का मीनिंग समेशन। पहले ये पाई कंप्लीट पे लगाना था, देखो 0 पे 0 1 पे 1 और n पे n, तो 1 से लेके n का सम क्या होगा, n * n + 1 / 2, तो सिग्मा n की वैल्यू तो क्या होगी, n * n + 1 / 2 और इसको डिवाइड करने पे क्या आ गया 3, तो क्या बन गया 3n स्क्वायर प्लस 3n + 1। सिमिलरली जब आप अपॉन की बात करोगे तो देखो 1 से n तक, तो 1 लेने पे तो 0 आ गया, हटाओ 2 पे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया प्लस n माइनस 1, तो 1 से लेके n माइनस का सम n इंटू n माइनस 1 बाई 2। अरे जो फॉर्मूला पढ़ा है ना 1 से लेके n का सम, उसमें n इज रिप्लेस बाय n माइनस 1, तो अगेन 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया ये 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अब इस पे पाई लगाना था, देखो इसमें होगा क्या बेसिकली, अभी पुट करके देखना पड़ेगा आपको, n को जब आप इसमें 1 पुट करते तो क्या आ गया 6 7 / 1 आ गया, जब n को 2 लेते 2 पे क्या गया 4 12 18 19 /
ये कितना आएगा देखो, 12 13 माइनस 6 17, मतलब देखो इसमें लॉजिकली होगा क्या, ये 7 आ गया, जब आप नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो अपॉन में ये आ रहा होगा 19, तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ऐसी सिमेट्री से आप चलोगे तो जो n को आप 10 पुट करोगे ना, n को तो 10 पुट करने पे इसमें जो टर्म आ रही होगी डिवाइड में, अरे डिवाइड की टर्म लेस है ऊपर की ग्रेटर क्योंकि प्लस है ना ऊपर, तो ये वाली टर्म तो इससे कैंसिल, बस 10 पुट करने पे जो वैल्यू होगी वो इधर आने वाली है और अपॉन में बनाने वाला है, तो n को 10 पुट करो तो 10 का स्क्वायर 331, तो 331 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, चलो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सोचना था कि सिग्मा और पाई में ये करोगे कि जो पाई है इसका मतलब a अपॉन b की फॉर्मेट में गिवन है पाई के अंदर, इसका मीनिंग वो कॉन्स्टिट्यूटिव 100% n अपॉन d में क्या होने वाली, कैंसिल आउट होने वाली, ठीक है। उसके बाद देखते हो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पढ़ो क्या बोला गया, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ विराट कोहली बिकम मैन ऑफ द मैच इन फर्स्ट सेकंड थर्ड मैच ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कप 2015 आर दिस कॉमा दिस, मतलब विराट कोहली के फर्स्ट इनिंग में मैन ऑफ द मैच होने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, सेकंड में 2/7 और थर्ड में 1/7 है रेस्पेक्टिवली, इफ विराट गॉट ए मैन ऑफ द मैच इन एग्जैक्टली वन मैच, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विराट अगर एग्जैक्टली वन मैच में मैन ऑफ द मैच जीतता है तो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट मैन ऑफ द मैच इन थर्ड मैच, तो उस अगर वो एग्जैक्टली वन मैच में मैन ऑफ द मैच अगर ओन करता है, गॉट करता है, जीतता है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो थर्ड मैच में मैन ऑफ द मैच जीता हो, तो देखो कुछ नहीं करना, ये वैसे क्वेश्चन तो आपका बेस थ्योरम का है, बट आप इसको सीधा सैंपल स्पेस ऑफ फेवरेबल केस से भी कर सकते हो, इसमें देखो सैंपल चीज दोनों सेम ही होती है, आप वेज थ्योरम से करो सैंपल फेवरेबल से वो सेम ही मीनिंग आएगा, सैंपल स्पेस का मीनिंग ये है इसमें कि विराट कोहली गॉट ओनली वन ऑफ द मैच, एग्जैक्टली वन ऑफ द मैच, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, हो सकता है वो फर्स्ट मैच वोन करे, सेकंड और थर्ड में वो मैन ऑफ द मैच ना जीते, तो क्या करें, फर्स्ट मैच में मैन ऑफ द मैच जीते उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी 3/7 इंटू सेकेंड मैच में, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ द मैच इन विराट गॉट ए मैन ऑफ द मैच इन एग्जैक्टली वन मैच, ओनली एग्जैक्टली वन मैच में वो विराट कोहली गॉट करना चाहिए मैच को, तो फर्स्ट मैच में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच जीते तो सेकेंड थर्ड में हारना चाहिए, मतलब मैन ऑफ द मैच नहीं आना चाहिए इसके पास, तो 2/7 का रिवर्स क्या होगा 5/7 आ गया ना, कि सेकेंड में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच ना ले और अगले का क्या जाएगा 6/7, ये तो बात हुई फर्स्ट मैच में मैन ऑफ द मैच वन करना चाहिए, गॉट करना चाहिए, अगला क्या लिखते हैं कि वो सेकेंड मैच में मैन ऑफ द मैच को गॉट करे, तो क्या करोगे, फर्स्ट में गॉट नहीं करे तो अगर फर्स्ट में गॉट करने की प्रायोरिटी 3/7 है तो नहीं करने की 1-3/7 तो 4/7 आ गया, सेकेंड में गॉट करना चाहिए तो 2/7 लिखना है और थर्ड में गॉट नहीं करे तो अगेन 6/7 होगा प्लस, अब अगला क्या लिखोगे, इसमें कहते हैं सेकेंड मैच में वो गॉट किया है मैन ऑफ द मैच, फिर अगला पार्ट क्या होगा लास्ट में कि फर्स्ट में गॉट ना करे, सेकेंड में भी गॉट ना करे, इस बार थर्ड में मैन ऑफ द मैच गॉट करे, वो ये थर्ड मैच में कहते हैं, ये तो उसका सिंपल स्पेस हो गया कि एग्जैक्टली वन ऑफ द मैच, एग्जैक्टली वन ऑफ द मैच गॉट मैन ऑफ द मैच, मतलब एग्जैक्टली वन मैच में वो मैन ऑफ द मैच को गॉट करना चाहिए, बट क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट मैन ऑफ द मैच इन थर्ड मैच, तो इसकी जो सॉरी फेवरेबल केस होगा इसका, तो फेवरेबल केस में आपको क्या करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो केस आपको लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए कि वो थर्ड मैच में मैन ऑफ द मैच को गॉट करना चाहिए, तो ये जाएगा 4/7 इंटू कितना है 6/7 इंटू 1/7 और प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस, तो अभी गुणा भाग है दिस अपॉन दिस करने पे जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर जाएगा, ठीक है, तो सर मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को आइडिया से थर्ड आंसर आता है वो देखना जो भी ये करके देखना, ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया,
the end points of lattice rectum of an ellipse are vertex edge of a square. मतलब lattice rectum की जो end points हैं वो क्या हैं? एक square के vertex edge हैं. Then the eccentricity of ellipse will be. तो अपन जब भी कुछ नहीं दिया गया है, तो ellipse अपन को standard लेके काम करना है. और ये तो ऐसा question है कि आप अगर उसके center को कहीं भी shift करोगे ना, तो उसके lattice rectum के end points से जो square बनेगा उसकी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेंट्रिसिटी सेम ही होगी इसको अगर शिफ्ट करोगे आप. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, ये एलिप्स है आपका और ये इसकी लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट से फोर, इन फोर पॉइंट को लेट करके आपको क्या करना है, एक इन चारों पॉइंटों से एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करना है. तो अगर इसकी स्क्वायर बनाओगे तो इनकी लेंथ और विड्थ दोनों क्या होंगी, सेम होंगी ना. तो ये पॉइंट क्या होगा, ए कोमा बी स्क्वायर होंगे, ये पता होना चाहिए. और ये क्या होगा, माइनस ए कोमा बी स्क्वायर होने, और इसके अपोजिट में क्या जाएगा, ए कोमा माइनस के बी स्क्वायर होने. तो अपन बोल सकते हैं ना कि अगर ये स्क्वायर तो ये दोनों लेंथ सेम होंगी, तो ये लेंथ तो क्या होगी, ए और ए टू ए और ये टू बी स्क्वायर होने. तो सिंपल एक रिलेशन आ गया, टू ए इक्वल टू टू बी स्क्वायर होने, टू से टू कैंसिल, तो देन इसकी सेंट्रिसिटी आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब इस की वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन इस. और अपन जानते हैं कि इलिप्स की सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ए स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना आ गया, ई. तो दिस इज बिकम क्वाड्रेटिक इन ई, तो देन वी कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज ई इक्वल टू माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एस इज फाइव अपॉन एच टू, देन टेकिंग प्लस, देन वी विल गेट दी सेंट्रिसिटी रूट फाइव माइनस वन बाई टू. If we take negative sign, then eccentricity negative, so it is not possible for any cases. So in this case, eccentricity is root 5 minus 1 by 2. Then its correct option is 4. It's simple sa question tha, theek hai, chalo. Next baat karte hain question number 12. Bahut interesting question hai, to padho usko. Bahut clearly padhna hai, bahut acha question hai. If a function fx increasing in a to b, then which of the following statement will always correct? कौन सा ऑप्शन ऑलवेज करेक्ट होगा? तो देखो आपको लग रहा होगा कि फंक्शन अगर आपका इंक्रीजिंग है, देखो मैं आपको सिलेक्ट, आपने बोला सर ये फंक्शन मान लो इनकी दिक्कत क्या आपको ही लो, तो देन ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो दिस इज एफ ऑफ ए, दिस इज एफ ऑफ बी, तो रेंज क्या होगी एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, एफ डैश एक्स और भी कर दीजिए, ये भी सही है क्योंकि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है. अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सकता है कि वो कुछ पार्ट में कांस्टेंट भी रहा हो, ये भी देख लेते हैं समझाने के लिए ऐसे. तो ये भी तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है ना, इस केस में एफ डैश एक्स क्या होगा, वर्डिंग इक्वल टू 0 हो सकता है क्योंकि यहां टेंजेंट का स्लोप 0 है. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है. इक्वेशन fx = 0 डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन इन x बिलोंग्स टू a टू b, हां सही है, डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन इन x बिलोंग्स टू a टू b. इस केस में रॉन्ग लगेगा आपको कि अगर फंक्शन Does not have any solution A to B. तो इसके regarding तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ कोई solution नहीं है. But अगर diagram को ऐसे बनाने में क्या दिक्कत है? ये लो, ये A के respect में value है, B के respect में, तो ये solution भी आ जाएगा. तो ये गलत लग रहा होगा फिर आपको. Equation f(x) equal to c, c belongs to f of a से f of b. मतलब f(x) की value c है और c आपका एक f of a से f of b के between है. Have at most one solution. तो हाँ, ये f(x) का diagram है. Y equal to c की line आपकी ऐसी होगी. तो हाँ, one solution होगा इस case में. वन भी हो सकता है और मेनी वन भी हो सकते हैं. y इक्वल टू c को अगर इधर लाइक कर दिया तो मेनी वन भी आ सकते हैं. मतलब इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि कभी थर्ड ऑप्शन सही आ रहा है, फोर्थ भी सही आ रहा है, फर्स्ट सेकंड तो लग ही नहीं सही. तो करें क्या, हो इसने पूछा ऑलवेज करेक्ट. अब देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या चीज इनबिल्ट है. क्वेश्चन में ओनली इतना बोला गया कि fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल a टू b. तो फंक्शन को अगर इंक्रीजिंग बोला गया है तो उसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस. फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, और जब फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस होगा तो फिर सोच के आंसर देना है. फिर एक ऐसा पॉसिबल डायग्राम बनाओ जिसमें सारे ऑप्शंस को अपन क्लियरली चेक कर सकें. ठीक है, तो अपन एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन लेके काम करते हैं. देखो ब्लैक बोर्ड पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस, देखो ऐसे लेते हैं एक बार फंक्शन को, ये ए टू बी है आपका, सॉरी ये फंक्शन बनाया मैंने, ये ए है
बी थोड़ा इधर मानते हैं, बी के रिगार्डिंग डायग्राम को ऐसे लेने में क्या प्रॉब्लम है? तो अगर मैंने एक पॉसिबल डायग्राम दिस पार्ट ले लिया, तो इसके रेस्पेक्ट में आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो गलत है। रेंज ऑफ एपेक्स विल बी दिस पार्ट, नहीं अब तो रेंज दिस पॉइंट से एफ ओ बी है ना, एफ ओ बी से दिस पॉइंट, ये कोई पॉइंट सी हो सकता है। इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन इन ए टू बी, तो वैसे ही होंगे हमेशा, क्योंकि ए टू बी में डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन ना, ए टू बी में सॉल्यूशन हो सकता है ना, जैसे इस केस में सॉल्यूशन आ गया उस पॉसिबिलिटी में डायग्राम था, तो ये भी आपका ट्रू और फॉल्स हो सकता है, ठीक है ना। इक्वेशन एफ एक्स डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि डायग्राम कौन सा लिया है। जैसे उसका फर्स्ट केस लिया तो सॉल्यूशन नहीं था, और इन दोनों केसेज में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये और ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है, f dash is greater than 0 for all x belong to a to b, गलत। f dash is greater than 0 है तो बताओ इस पॉइंट पे तो फंक्शन क्या है आपका, नॉन ड्राइवेबल है, तो अपन कैसे बोल देंगे कि f dash x आपका greater than 0 है, f dash x does not exist भी हो सकता है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब बात करोगे फोर्थ ऑप्शन की, इक्वेशन fx equal to c, c belongs to f of a से f of b have at most one solution, yes। इस केस में इसका एटमोस्ट वन सॉल्यूशन कब हो सकता है, देखो जैसे लेट आओ एटमोस्ट वन सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता, तो अब तो देखो ये आ गया सॉल्यूशन। अगर आप इस पॉसिबल डायग्राम को थोड़ा ऐसे ले लेते हो, सुनना थोड़ा केयरफुली कैसे समझाए, ये लो ये तो आपने डायग्राम लिया ए टू सी में, और बी आपका इधर है, और बी टू सी में डायग्राम को ले लो ऐसे, ये f of a ऊपर है f of b नीचे, मतलब थोड़ा बीच में गैप आ रहा है, तो ये तो है ना, a to c में फंक्शन इंक्रीजिंग है और c to b में भी इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग है, बट y equal to c की लाइन को ऐसे लोगे तो एट मोस्ट वन बोला गया, नो सॉल्यूशन भी आंसर हो सकता है और एट मोस्ट वन सॉल्यूशन भी आंसर हो सकता है, बोलो आया ना, ठीक है। तो देन इस केस में आपको फोर्थ ऑप्शन इसका टिक करना था, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया देखें, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस z बार का मॉड इक्वल टू 2, z प्लस z बार का मॉड इक्वल टू 4, देन व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज ऑलवेज इनकरेक्ट, मतलब जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एम्पलीट्यूड किस इंटरवल में डज नॉट लाई, इनकरेक्ट ऑप्शन टेक करना। तो देखो जो आपको कंडीशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग एक काम करते हैं, अपन एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लेट करते हैं, z इक्वल टू x प्लस iota y, इसके रिगार्डिंग इसका जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा बार, तो जेड माइनस जेड बार तो आगे टू आयोटा वाई, तो टू आयोटा वाई का मोड क्या होगा, टू वाई का मोड इक्वल टू टू, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा भाई प्लस माइनस वन, मॉडुलस लोगे तो प्लस माइनस आएगा। फिर बोला गया जेड प्लस जेड बार क्या, टू एक्स का मोड लोगे तो टू एक्स का मोड फोर, तो इसके रिगार्डिंग क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस टू। अब देखो प्लस माइनस लो, माइनस प्लस कुछ भी लो, तो इस केस में टोटल फोर कॉम्बिनेशन बनने वाले बन सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, दोनों पॉजिटिव लोगे तो पॉइंट क्या जाएगा, टू कॉमा वन, मतलब इसके रिगार्डिंग एंगल ये होगा, नेगेटिव लोगे तो टू कॉमा माइनस लेने पे आ जाएगा एंगल, तो जैसे लेट ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा होगा ना, समझने के लिए बताया मैंने, अगला इधर लोगे तो ये पॉइंट होगा, और ये क्या होगा, ये वाला ये पाई माइनस अल्फा आ गया, ठीक है, क्या क्या पाई माइनस अल्फा, ये एंगल आ गया पाई माइनस अल्फा, और इधर जाओगे आप देखो सुनो, अपन को तो कौन सा एंगल चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड जनरली पर माइनस पाई टू पाई की बिटवीन लेंगे, तो इस बार एंगल आपका दिस पार्ट होगा, तो ये एंगल क्या होगा, माइनस पाई प्लस, मैंने चारों एंगल लिख दिए आपको समझाने के लिए। अब आप ब्लैक बोर्ड पे आए, अपन ये फर्स्ट एंगल निकालते तो टेन थीटा क्या होगा, इसमें टेन अल्फा जाएगा वन अपॉन टू, एल्फा आ गया टेन इनवर्स वन बाई टू, तो देखो टेन इनवर्स वन बाई टू की अप्रोक्सिमेट वैल्यू क्या होगी, इसमें देखो पाई बाई सिक्स का रोल आ रहा है, पाई बाई सिक्स टेन में किसकी वैल्यू होती है, वन बाई रूट थ्री की, तो एक बार बताओ वन बाई टू और वन बाई रूट थ्री में कौन बड़ा है, वन बाई रूट थ्री ग्रेटर है, क्योंकि टू ग्रेटर है रूट थ्री लेस है, तो अपॉन में लोगे तो ये ग्रेटर आ गया, इसका मतलब जो अल्फा है आपका वो पाई बाई सिक्स से लेस होगा, क्योंकि टेन इनवर्स 1 बाई रूट 3 की वैल्यू 10 इनवर्स 1 बाई 2 से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो अल्फा अगर पाई बाई 6 से लेस है तो अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो ये जो एंगल है माइनस अल्फा,
मतलब ये वाला एंगल क्या होगा माइनस, अरे यार सीधी बात है माइनस पाई बाय 6 की लाइन इसके नीचे होगी ना, ये लो इधर आओ, ये पाई बाय 6 इधर होगा, माइनस पाई बाय 6 थोड़ा नीचे होगा, और ये इधर है तो फिर ये इधर होगा, और ये आपका इधर है तो फिर ये इधर होगा, सीधी सीधी बात है। अब तो देख लो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका एम्पलीट्यूड माइनस पाई बाय 6 से 0 के बिटवीन होगा, हाँ होगा ना, ये लो तो ये ऑप्शन तो ट्रू है आपका, माइनस फाइव पाई बाय 6 से पाई। तो देखो ये जो पॉइंट है आपका ये कितना है, ये टोटल पाई है तो माइन, अरे भाई ये जो पार्ट है आपका ये कितना है माइनस के 5 पाई बाय 6, क्या बोलो माइनस के 5 पाई बाय 6। तो हाँ एम्पलीट्यूड जेड आपका माइनस 5 पाई बाय 6 से पाई के बीच में होगा, तो हाँ आ गया ना, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। वो देखना है कि जो ऑलवेज इनकरेक्ट बोला गया है, आपको लग रहा है इस वाले में ये तो आया नहीं, तो कोई नहीं बताने दो ना, जो है वो तो आ गया ना, 0 से 5 बाय 6 में होगा, आ गया 0 से 5 बाय 6 में, और पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 4 नहीं, ये पाई बाय 6 ये 5 पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 है, तो इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्गुमेंट लाई नहीं करेगा, तो देन इसका फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन 14 क्या है देखो, ए मैट्रिक्स ए इज दिस पार्ट इज नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन इनवर्टिबल है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा ना, उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो कुछ नहीं करना, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को आप जीरो करना, तो जब आप इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को जीरो करोगे तो इससे जो रिलेशन आएगा वो सिंपल है, लिख लेना आप, इससे लिखोगे साइन कोसेक 1, कोसेक 1 साइन, ये कोसेक ध्यान रखना रे, 1 साइन कोसेक, इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करो, तो देन सॉल्व करने पे इससे जो रिलेशन आएगा वो क्या आता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1, मतलब ये उसी केस में होल्ड होगी जब साइन थीटा भी 1 होगा आपका, कोसेक थीटा भी क्या होगा 1, तो साइन और कोसेक दोनों की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 2 के मल्टीपल पे, मतलब 2 ये आ जाएगा 4n + 1 पाई बाय 2, इस केस में तो 4n + 1 पाई बाय 2 तो मल्टीप्लाई करने पे कह जाएगा 2n पाई + पाई बाय 2, तो इसका फोर्थ ऑप्शन विल बी ट्रू। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सिंपलीफाई करना है आपको, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। आपको थ्री स्टेटमेंट गिवन है पी क्यू आर, क्योंकि इसमें टॉटोलॉजी की बात की गई है, मतलब आप उनको रीजनिंग यूज करनी है। पी का मतलब क्या, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज इन रॉन्ग, एक्स तो आपका और फंक्शन है, तो पी तो आपका होल से ध्यान रखना। क्यू का मतलब क्या, एन सी एम इज ए होल नंबर, यस सर, एनसीआर की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होगी 0 1 2 3 4 5, तो ये आपका ट्रू है। आर सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर आर सी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, हाँ सही बात है ना, कि ए ये लाइन अगर गिवन है इसका मतलब क्या, ये ऑल थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब इनको अपन कोप्लेनर वेक्टर भी बोल सकते हैं, तो ये आर स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो देन आपको विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, तो आपको वन बाय वन ऑप्शन को देखना है, तो ये क्या है P not Q, मतलब इंटरसेक्शन हो गया, ये ध्यान रखें अगर कंफ्यूज रहे ना, तो इसका मतलब तो क्या इंटरसेक्शन है और इस ऊपर वाले का मतलब यूनियन है, सेट थोड़ी से कर लिया करो आप। तो देखो फॉल्स और ट्रू का इंटरसेक्शन फॉल्स आएगा, तो ये तो फॉल्स हो गया, हटाओ। अगला देखो P और Q का तो लेना है यूनियन, तो P और Q का यूनियन तो क्या आ गया ट्रू, फॉल्स और ट्रू का यूनियन ट्रू आ गया। इंटरसेक्शन R नेगेशन, तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स हो गया, तो फॉल्स और ट्रू का इंटरसेक्शन अगेन फॉल्स आ गया, हटाओ इसको। अगला ऑप्शन क्यू और आर का इंटरसेक्शन, क्यू आर का इंटरसेक्शन आ गया ट्रू, और ट्रू का नेगेशन फॉल्स, यूनियन फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स का यूनियन क्या आ गया, अगेन फॉल्स आ गया, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया, तो शायद फोर्थ ऑप्शन ही आना चाहिए सही, करके देख लेते हैं। ये लो नेगेशन ऑफ पी, तो पी का नेगेशन तो क्या आ गया ट्रू, यूनियन, अब सिंपल सी बात है कुछ भी आओ ना, ट्रू का किसी के साथ यूनियन लोगे तो आंसर हमेशा ट्रू ही आएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, और अब ये थोड़ा क्या दिमाग क्लिक करना चाहिए, पी बार का मतलब ट्रू है, ट्रू का किसी के साथ यूनियन लोगे तो आंसर यही आएगा, सारे ऑप्शन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया, मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन विच आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज 18.6, इफ फर्स्ट टू ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज बाय 1 एंड last three observation are decreased by 5, then the median of set of new observation is,
मीडियन क्या मतलब जो मिड टर्म होगी, एक जो मिडिल टर्म होगी उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो क्या टोटल 13 ऑब्जर्वेशन है वो आपके किसमें बोले गए, विच आर डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब वो वैल्यू डिक्रीज कर दी जाती है आपकी। तो डिक्रीज करने का मतलब A1 सबसे बड़ा होगा, फिर A2 होगा और फिर A12 होगा, A13 होगा और A11 होगा, यही चलेगा ना। अब अपन को पता है मीडियन का मतलब क्या होगा, मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है उसी को मीडियन बोलते हैं। तो 13 का मिडिल क्या होगा, N+1/2 होगा, ठीक है। अरे यार 1 से लेके 13 तक टोटल 14 टर्म है, तो मिडिल में कौन आएगा इसका, A7 आ गया ना, 1 से लेके 13 तक मिडिल कौन होगा, A7 आ गया मिडिल टर्म, ठीक है ना। तो A7 आपको गिवन है कितना, 18.6। मीडियन का मतलब मिडिल टर्म होती है, बस सिंपल सी बात ध्यान रखिए। अब क्या बोला गया, फर्स्ट टू ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज बाय 1। अब आपको पता है A1 A2 ऑलरेडी बड़े हैं, तो कुछ ऐड करोगे तो अभी भी दोनों बड़े रहेंगे, और A11 12 13 लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन में 5 कम कर दिया तो ये और छोटे हो जाएंगे, लेकिन ऑर्डर तो यही रहेगा ना सबका, मतलब A1 > A2 > A3 अप टू सो ऑन है। A1 A2 में 1 आपने इंक्रीज किया और लास्ट की 3 टर्म में 5 आपने डिक्रीज किया, उस केस में भी जो ऑर्डर है इन ऑब्जर्वेशन का वो सेम ही रहने वाला है। इसका मतलब जो आपका A7 है इसकी वैल्यू डज नॉट चेंज है, और अभी भी A7 आपका क्या होगा, मिडिल में रहेगा ना, मतलब फर्स्ट की 2 टर्म और लास्ट की 3 टर्म में जब आपने कुछ इंक्रीज किया और डिक्रीज किया तो मीडियन रिमेंस अनचेंज, तो देन इसका 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो बस सिंपल एक ऑब्जर्वेशन से करना था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, लेट fx इक्वल टू दिस पार्ट, abc बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है fx, fx इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट अगर इमेजिनरी है तो उसका d नेगेटिव होगा ना, और इसमें दो चीजें हो सकती हैं, अगर क्वाड्रेटिक की रूट्स इमेजिनरी है तो डायग्राम अबव द x एक्सिस और बिलो द x एक्सिस, अबव और बिलो का आईडी अपन दो चीजों से ले सकते हैं, ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगा, ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगा। और एक ऑप्शन क्या है, कब जो इमेजिनरी रूट्स है उसकी बता रहा हूं मैं आपको, जीरो की रिगार्डिंग वैल्यू क्या होती है फंक्शन की, सी होती है ना, f(0, c। तो अगर फंक्शन ए पॉजिटिव है तो डायग्राम ये होगा ना, तो जी को एक्सपेक्टिव वैल्यू क्या होगी f(0) की, पॉजिटिव, तो सी पॉजिटिव आएगा इस केस में, और ए नेगेटिव है और रूट्स इसके इमेजिनरी है तो जीरो के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या होगी f(c), तो c कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस केस में c कैसा रहा होगा, नेगेटिव। अब अपन को ना तो क्वेश्चन में a की इंफॉर्मेशन गिवन है ना c की इंफॉर्मेशन, अपन को क्या गिवन है, 4a + 4b + c लेस देन 0 देखो ना, एंड 4a + 4b + c 0, ये आपको नेगेटिव गिवन है। अब आपका a की होमवर्क है कि जो आपको फंक्शन गिवन है fx, उस फंक्शन fx में x की एक ऐसी वैल्यू पुट करें बेटा जिसको पुट करने से वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन 4a + 4b + c। तो देखो ये आपको दिखना चाहिए, 4a कब आ सकता है, जब x को 2 लोगे, तो x को 2 लेने पे 4a आ गया, ये भी 4b आ गया, सी मतलब दिस इज वैल्यू ऑफ f(2), तो f(2) इज नेगेटिव, तो देन वी विल कंक्लूड दैट 2 के रेस्पेक्ट में दिस पार्ट इज आल्सो नेगेटिव, इसके रेस्पेक्ट में तो 2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मीनिंग ये आपका पॉसिबल डायग्राम होगा अगर f(2) नेगेटिव है, और इस केस में क्या पता चलेगा, c नेगेटिव है तो इसका सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CR इक्वल टू 100 CR, ये ध्यान रखिए कभी भी क्वेश्चन में मोस्टली कभी नहीं लिखा होता है NCR, वो सीधा CR लिखता है, तो मेंशन होगा साइड में कि इसका प्रीफिक्स क्या लिखा है, उसने 100 है प्रीफिक्स, ठीक है। चलो आपको दिस सीरीज का समेशन फाइंड आउट करना है, देखो क्या करोगे, देखो एक बात सुनो, इससे जस्ट प्रीवियस टर्म क्या होगी पता आपको, माइनस के 100 C 99 का स्क्वायर। तो ये अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनका, उनकी वैल्यू सेम होती है, NC0 NCR NC1 NC N-1 अप टू सो। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे इस 101 और 1 का समेशन आ रहा 102, माइनस 100 और -2 का समारा आगे 102। तो एक काम करें अपन,
इस सीरीज को दो बार रीराइट कर दो, एनसीआर के फॉर्मूले को अप्लाई करो, एनसीआर इज एनसीएन माइनस आर। तो देखो इधर आए, इसको लिखो 1.C0²-2. सफिशियंट इतना। ऐसे लास्ट की टू टर्म के लिखो तो माइनस के 100C99 का स्क्वायर प्लस 101C100 का स्क्वायर। ये लिखने के बाद देखो बेटा क्या करना है इसमें, इस सीरीज में यूज करो फॉर्मूला NCR इक्वल टू NCN माइनस R, या फिर एक काम करो इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लेके सीधे ऐड कर दो, ज्यादा बेटर है। रिवर्स ऑर्डर में लिखो इसको आप 101C0 का स्क्वायर माइनस के 100C99 का स्क्वायर प्लस .. इधर तो जाएगी सेकेंड लास्ट में माइनस के 2C1 स्क्वायर प्लस के। अब आप क्या करो करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दो, ये भी 101 टर्म है, दिस पार्ट भी क्या 101 टर्म, तो करस्पॉन्डिंग टर्म को जब ऐड करो तो क्या आ गया 2s इक्वल टू, देखो ये 102 आ गया, ये भी 102 आ गया, तो 102 तो आ गया कॉमन, और अब सीधे लिखा जाएगा ब्रैकेट में। पर अब आप बोलोगे सर ये कॉमन ले लिया तो आपने, सॉरी तो 100 था ना, ये कॉमन ले कैसे लिया आपने, इसको ऐसे ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि आपको पता है C0 को मैं C100 भी ले सकता हूं, NCR इक्वल टू NCN माइनस R से, समझ में आ गया ना। तो C0 C100 के इक्वल होगा, C1 C99 के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों सेम ही चीजें हैं, तो 100 तो मतलब इसको सेम ले सकते हैं अपन, तो जब इसको सेम ले सकते हैं तो क्या आ गया 1. तो 102 कॉमन और इस आ गया C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर .. प्लस C100 का स्क्वायर, तो देन S का जाएगा 101/2, तो 51 आ गया। तो ये आ गए समेशन S इक्वल टू 51 ऑफ दिस पार्ट। और अब आपको एक पता होना चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ कुछ सीरीज याद रखो, C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर, इसका सम होता है सीधा 2NCN या सॉरी NCN/2, क्या होता है NCN/2 इफ N इज इवन, और n अगर ओड है तो वैल्यू इसकी 0 होती है, हाँ या ना। और आप इसको कोफिशिएंट मेथड से फाइंड आउट भी कर सकते हो, ठीक है। C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 स्क्वायर .. की वैल्यू क्या लिखनी है, NCN/2 इफ n इज इवन और 0 इज इफ n इज ओड। तो अपने में तो n आपका इवन है ना 100, तो n 100 है तो सिंपल क्या जाएगा 100C50, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 100C50। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें 51 100C50, हां यस सर, देन इसका सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इस टाइप से करना इस क्वेश्चन को, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूले पता हो, इसमें एक तो ये फॉर्मूला यूज करना था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक इस सीरीज का सम भी आपको पता होना चाहिए, या फिर इसको कैलकुलेट करोगे आप। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द कार्ड इज रिप्लेस्ड एंड पैक इज रीशफल्ड। आपको क्या करना है 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ करना है, उसको अगेन पुट कर दो, उसको रीशफल करो, अगेन एक कार्ड पुट करो, ये प्रोसेस आपको 6 टाइम अप्लाई करनी है। कार्ड ड्रॉ किया, फिर इसको पुट किया, ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करने के बाद जब पुट करोगे ना तो सेम प्ले स्पेस में ऑलवेज 52 कार्ड्स ही रहेंगे, मतलब हमेशा 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड को ड्रॉ करना है। तो देन दी प्रोबेबिलिटी दैट टू हार्ट टू डायमंड और टू ब्लैक कार्ड्स आर ड्रॉन, मतलब आपने 6 टाइम कार्ड ड्रॉ की, पहली बार कार्ड ड्रॉ किया, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको कि दो बार तो कार्ड क्या आने चाहिए, हार्ट आने चाहिए, टू टाइम्स डायमंड होने चाहिए, टू टाइम्स ब्लैक कार्ड होने चाहिए, अप टू सो ऑन। तो एक बात इसमें ये देखो लॉजिकली, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उस 52 प्लेइंग कार्ड में से 13 तो हर्ट है आपके, हर्ट रेड कलर के होते, डायमंड का मतलब ये भी आपके रेड कलर के हैं, ये भी रेड, तो 26 रेड फिनिश हो चुके हैं, और बचे कितने कार्ड, 26 कार्ड, वो आपके ब्लैक कलर के कार्ड है। तो अब सुनो, अगर मैं ये पूछूं कि किसी भी टाइम मतलब किसी भी पोजीशन पे इस 52 प्लेइंग कार्ड में से एक हर्ट को ड्रॉ करना है, तो हर कार्ड के हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52, 1/4। अगर आप ड्रॉ करते हो डायमंड, तो डायमंड के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगेन 1/4, और पी ब्लैक, अगर ब्लैक कार्ड ड्रॉ करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो
1/2, ये अपन ने सेपरेट प्रॉपर्टी लिख दी। ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपने एक कार्ड ड्रॉ करने के बाद अगेन इसको पुट कर दिया है, तो पुट कर दिया तो सैंपल स्पेस में टोटल 52 कार्ड्स हैं, और जो फेवरेबल केस में कार्ड ड्रॉ करोगे वो 13, 13 या 26 में से एनी पेयर में से कार्ड आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, चलेगा। अब क्या करना है? अब आप फर्स्ट टाइम कार्ड ड्रॉ करोगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, अप टू सो, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर जो सिक्स सीक्वेंसेज हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ से, टोटल सिक्स प्लेसेज हैं आपके पास जिसमें आपने कार्ड ड्रॉ किया, फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ और फिर सिक्स, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर जो आपने टू हर्ट ड्रॉ किए वो कौन कौन सी सीक्वेंस पर ड्रॉ किया। हो सकता है वो मैंने फर्स्ट सेकेंड पोजिशन पर लिए हो, फर्स्ट थर्ड टू फोर्थ अप टू सो, तो क्या करें? टोटल सिक्स ऑप्शन है 1 to 6, इनमें से एनी टू ऑप्शन पे आपके हर्ट आ सकते हैं, तो क्या करो, सिक्स में से पहले टू ऑप्शन चुनो, 62, और सिलेक्टेड टू ऑप्शन पे कार्ड की हर्ट होने की प्रायोरिटी 1/4 × 1/4, दो बार लिखना है कि जैसे लेट 62 का मीनिंग क्या है, आपने फर्स्ट टाइम हर्ट आया हो, थर्ड टाइम हर्ट आया हो, तो दोनों बार आने की प्रायोरिटी 1/4 × 1/4 into, अब क्या लिखना है, अब बची कितनी पोजिशन, फोर पोजिशन, फोर में से आप अगेन टू पोजिशन सिलेक्ट करो, और सिलेक्टेड टू पोजिशन पे टू डायमंड आने की प्रायोरिटी अगेन 1/4 × 1/4, और लास्ट थिंग इज रिमेनिंग टू पोजिशन को लेने के तरीके 2C2 1 ही होगा ना, और उन पे ब्लैक कार्ड आने की प्रॉपर्टी लिखोगे 1/2 × 1/2, बस इस गुणा भाग को देखो, ये तो वन हो गया, इसकी वैल्यू 6 होगी, 62 की वैल्यू 15, तो 15 और 6 90, और देखो ये क्या है, 1/4 1/4 1/4 1/4 कितनी बार, 1/4 की पावर 4 आ गया, इनटू ये 1/4 आ गया ना, तो सीधा आ गया 1/4 की पावर 5, दिस इज 1/2 की पावर 10, तो 90 × 1/2 की पावर 10, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, चलो ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, ये तो आईटी डिस्टेंस का क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर विद रिस्पेक्ट टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पिलर ऑफ हाइट एज, वेयर टावर एंड पिलर लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, आर अल्फा एंड बीटा, मतलब एक टावर है, उस टावर पे एक पिलर के टॉप और बॉटम से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसका टावर का, वो क्या अल्फा और बीटा रेस्पेक्ट होगी, तो हाइट ऑफ द टावर आपको करने के लिए, तो रेगुलर क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो लेट ये आपका टावर है और इसी ग्राउंड लेवल पे एक ये पिलर है, ये इसका टॉप हो गया ना, तो टॉप का इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन तो बोला गया अल्फा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और बॉटम का अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है, बीटा, तो ये आपको बीटा है। ये पिलर की हाइट एच है तो ये भी हाइट एच होगी, इसको अपन एक्स सेलेक्ट कर देते, तो आपको ये टोटल हाइट चाहिए एच प्लस एक्स की वैल्यू, तो एच तो पता है ना क्वेश्चन में, एक्स आपको करना है कैलकुलेट, तो इसके लिए क्या करना है, देखो इस लेंथ को वायलेट कर देते, ये भी भाई इस स्मॉल ट्राइंगल में आ गया टेन अल्फा, तो आ गया बेटा एक्स अपॉन वाई, और इस ग्रेटर ट्राइंगल में अगेन आ गया टेन बीटा इक्वल टू एक्स प्लस एच अपॉन वाई, आपको एक्स करना है कैलकुलेट, तो क्या करें वाई का एलिमिनेशन कर दें, तो देन आप क्या करो बेटा, ये लेट सेकेंड इक्वेशन है, ये लेट आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, अब फर्स्ट इक्वेशन ही डिवाइडेड बाय सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को करो सेकेंड से डिवाइड, तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन को जब आप सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या गया 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, और इक्वल इधर आ गया x अपॉन x प्लस h, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना, आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ h, तो एक काम करो उसका रेसिप्रोकल कर दो आप, तो रेसिप्रोकल करने पे क्या जाएगा, क्योंकि सीधा अपन x कर देंगे कैलकुलेटर, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा सेप पे डिवाइड करने पे ये तो आ गया 1, और प्लस आ गया h अपॉन x, 1 को इधर ले आओ तो माइनस करने पे क्या जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा, और आपको पता होगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इसको लिख सकते हैं साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर ऐसे रखो कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे आ गया x इक्वल टू 10 अल्फा h अपॉन 10 बीटा माइनस 10, बस इस वैल्यू को यहां पुट करके h आपका कॉमन आ जाएगा, h को कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस दिस अपॉन दिस, तो
अगेन मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, टेन अल्फा कैंसिल होके तो क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू एच टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, एच टेन बीटा अपॉन एच टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं थे, काम करो शो कर देना कोर्ट में कन्वर्ट, तो कोर्ट में लिखोगे वन अपॉन कोट बीटा वन अपॉन टेन बीटा, तो मल्टीप्लाई करने पे शायद ऊपर टेन अल्फा तो कोट बीटा बन जाएगा शायद, है ना। देखो फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए, चलो एक बार करके देखना जो भी ऑप्शन आएगा, ठीक है, बड़ा भाग करना है आपको हो जाएगा। चलो चलो अब उसके बाद बात करते हैं सेक्शन डी की। तो देखो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट, सिग्नम साइन एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सिग्नम साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए कि सिग्नम एफ एक्स का मीनिंग क्या होगा, एफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम एफ एक्स की वैल्यू वन होगी, एफ एक्स अगर जीरो है तो ये आपका जीरो होगा, और सिग्नम के अंदर वाला पार्ट अगर नेगेटिव है तो वैल्यू माइनस वन होगी, ठीक है। तो देखो अपन इसमें तीनों केस लेके काम करते हैं, राइट साइड में हो सिग्नम के अंदर साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो साइन स्क्वायर एक्स है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। साइन स्क्वायर एक्स जीरो होने का मीनिंग क्या है, साइन एक्स अगर जीरो है तो साइन एक्स जीरो होने का मीनिंग तो क्या होगा कि जब साइन एक्स आपका जीरो है तो ये भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, साइन जीरो है तो सिग्नम जीरो जीरो, मतलब साइन एक्स जीरो लेने पे ये ऑलवेज क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई, मतलब एक आंसर तो आ गया साइन एक्स इक्वल टू जीरो। इससे क्या आंसर जाएगा, माइनस फाइव पाई बाई टू से सेवन पाई बाई टू में देख लेंगे अभी कि साइन एक्स की वैल्यू जीरो कब आने वाली। अब अपन बात करते हैं साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है, तो साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव लोगे तो सिग्नम साइन स्क्वायर एक्स वन होगा ना, तो क्वेश्चन आ गया सिग्नम साइन एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस वन, तो ये क्या रह गया साइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और जब ये साइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है तो आप देखो होल स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। तो इसमें भी टू केस है, अगर आपने स्क्वायर को जीरो लिया तो ये जीरो कब होगा, जब साइन एक्स को माइनस वन लोगे तो ये तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन पे जीरो है, बट ये साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन पे माइनस वन होगा, तो माइनस वन इक्वल टू जीरो फॉल्स हो गया ना। तो फिर इसमें एक ही ऑप्शन हो सकता है कि साइन एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जीरो से ग्रेटर। तो इसको जब जीरो से ग्रेटर लोगे आप तो देखो क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स अगर जीरो से ग्रेटर है तो ये आपका वन हो गया ना, तो वन इक्वल टू आ गया साइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे क्या होगा, क्या आ गया साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो टेकिंग प्लस लोगे तो साइन एक्स जीरो आ गया, बट आपका साइन स्क्वायर एक्स का जीरो से ग्रेटर तो साइन एक्स को जीरो भी नहीं ले सकते, और अगला आएगा साइन एक्स माइनस टू तो साइन एक्स की वैल्यू माइनस टू, तो वैसे ही गलत है। तो ये केस तो हो गया आपका गलत, तो इससे एक ही आंसर आ गया ओनली कि जब साइन एक्स आपका जीरो होगा तो उस केस में इक्वेशन क्या करेगी सेटिस्फाई। तो एक काम करें, अब अपन को नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए माइनस फाइव पाई बाई टू से सेवन पाई बाई टू। देखो इस इंटरवल को देखते हैं, जीरो से टू पाई से थ्री पाई बाई टू सेवन पाई बाई टू आ गया, फिर बात करते हैं माइनस के फाइव पाई बाई टू, जीरो से माइनस पाई माइनस टू पाई माइनस के फाइव पाई बाई टू, साइन की वैल्यू जीरो पाओगी पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव नेगेटिव एक्स पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, इन सेवन पॉइंट्स पे। हाँ इसमें गड़बड़ी ये कि एक पॉइंट आपने जो कॉमन है वो दो बार ले लिया, कौन कौन से देखो जरा, हाँ ये जल्दीबाजी होती है, जीरो से टू पाई और टू पाई से ये, तो जीरो आ गया ना इसमें, और जब आप इधर से चलोगे तो जीरो है तो इसको दोबारा मत लेना, ठीक है, थ्री और थ्री सिक्स आंसर फिर करना, जल्दीबाजी में आंसर सेवन फिर कर देते, ठीक है चलो। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू, तो देखो एक बार लिमिट पुट करते हैं, 0 2 प्लस तो 2 प्लस पे वैल्यू क्या होगी अराउंड 8 आओगे ना, और 8 का फ्रैक्शन 0 तो cos 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, क्योंकि ln 2 की वैल्यू ln 1 की वैल्यू 0, ये 0 बाय 0 फॉर्म है। तो देखो इसको किस टाइप से करना है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, जब भी 0 बाय 0 फॉर्म हो तो आप ट्राई करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने की। तो ये क्या 1 माइनस cos, अपन फ्रैक्शनल को कन्वर्ट करते हैं स्टेप में, तो ये x है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट x का मीनिंग x माइनस स्टेप x, ये बाहर वाला नॉर्मल ब्रैकेट है इसको ऐसे लगा देते हैं, अपॉन में क्या करना है x माइनस टू तो आ गया मल्टीप्लाई में, और ये आ गया
ln of x minus 1. अब आप देखो x tends to 2 plus. 2 plus पे क्या होगा? ये जो quantity है वो आपकी 8 plus की तरफ tend करेगी. तो 8 plus का step क्या होगा? 8 हो गया ना. तो क्या रहेगा ये? x square plus 2x minus 8. और इसके factor क्या होंगे आपको पता होगा? x plus 4 into x minus 2. लिख लेते हैं. तो question क्या है? रह गया अपना limit x tends to 2 plus 1 minus cos x plus 4 x minus 2 upon x minus 2 ln of ये अपने मतलब fractional को हटा दिया इसमें से step सब उठ चुका. इसके बाद एक काम करो, उसको अपन लिमिट को जीरो लाने की ट्राई करते हैं. तो इसमें यूज करो सब्स्टिट्यूशन, यूज करो पुट x equal to 2 plus t. तो देखो x आपका जब 2 प्लस की तरफ टेंड करने वाला है तो t आपका 0 प्लस की तरफ टेंड करेगा, ध्यान रखना. तो क्वेश्चन क्या रहेगा कन्वर्ट होने के बाद? उसके बाद अपन स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब लिमिट आपकी 0 होती है ना तो sin x / x1 tan x / x1 इसकी हेल्प से ही हुआ है क्वेश्चन. तो 0 प्लस तो क्या रहेगा क्वेश्चन देखो, 1 माइनस cos x को लेना है 2 प्लस t. तो x को 2 प्लस नहीं लिखते, t आ गया, ये आ गया t प्लस 6. तो ये आ गया t into t plus 6 upon x minus 2 तो आ गया t और ये आ गया ln of 1 plus t. यस सर. अब देखो शॉर्टकट क्या होगा. ये सबने पढ़ाया कि limit x tends to 0 पे ln 1 plus x upon x की वैल्यू 1 होती है. इसको upon t कर दो और इसको multiply t कर दो. तो ये तो बन गया 1 of sin 1 plus t upon t. t tends to 0 पे दोनों कहां करेंगे? 0 की तरफ tend. ये तो 1 हो गया, हटाओ. अभी आ गया t square. और जब भी 1 के साथ cos हो तो पहले cos को हटाओ. तो सीधा क्या लिख सकते हैं इसको देखो, limit t tends to 0 ये जाएगा 2 sin square t square plus 60 by 2. यस सर. और अपॉन में क्या है? ओनली t square. अब ये देखो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि 0 पुट करने पे ये 0 की तरफ टेंड करने वाला है. तो sin square x / x square की वैल्यू दोबारा बन जाएगी. तो काम करो इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में t square plus 60 upon 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड. तो देन ये क्या जाएगा क्वेश्चन देखो, एक काम करें इधर वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं. तो देखो क्या आ गया, लिमिट t tends to 0 2 तो बाहर, ये इसको ऐसे लिख दो sin t plus या t square plus 60 upon 2 का upon t plus या t square plus 60 upon 2 इस पे तो लगा दो होल स्क्वायर. ये लो तो इसका मीनिंग क्या है, और अपॉन में टी स्क्वायर तो है ही ना अपना, तो इसका मीनिंग क्या है? इससे आपने डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं. किससे? टी स्क्वायर प्लस 60 अपॉन 2 के होल स्क्वायर से. हाँ है ना. तो देखो ब्लैक बोर्ड पे ये अपॉन में टी स्क्वायर है और इसके अंदर से जब आप टी कॉमन लोगे तो टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. तो देखो टी स्क्वायर कैंसिल करने पर क्या होगा, इधर से टी कॉमन आके हट गया और ये ओनली टी रह जाएगा आपका. हाँ है ना. अब आप t को 0 पुट करोगे तो क्या आ गया, ये तो 2 है, दिस अपॉन दिस तो 1 है क्योंकि दोनों 0 की तरफ टेंड करते हैं, तो ये 1 आ गया. और अगला क्या आ गया, 0 पे 6 अपॉन 2 3 का स्क्वायर इज 9, तो देन ये आ जाएगा 18. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. इसमें सब्स्टिट्यूशन को भी यूज करना है, आफ्टर दैट स्टैंडर्ड लिमिट को भी यूज करना है. चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. एक डिटरमिनेंट गिवन है f(x) = this part देन f'(0). ये f'(0) थोड़ा क्लियरली दिख नहीं रहा इसमें, आपको f'0 बताना है. तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है, आपको समझो कि 0 पुट करने पे सब कुछ 0 1 में आने वाला है. तो जब भी आपको डिटरमिनेंट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो अलोंग दी रो करो या अलोंग दी कॉलम, एक बार में 1 रो या 1 कॉलम को करोगे. तो अपन एक काम करते हैं, रो के अलोंग कर देते हैं. तो r1 रो का कर दो, r2 r3 को एज इट इज. तो देखो क्या आ गया, f'x = ये आने वाला है. तो r2 r3 रो को एज इट इज रखना है और बाद में 0 पुट करना है. 0 पुट कर दो ना, तो cos 0 1 0 1 ये आ गया tan 0 0 ln 1 0 और ये 1 आ गया. और इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो इसका क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1, तो 0 पुट करने पे माइनस 1 आ गया. e की पावर 2x का 4e की पावर 2x, तो ये 4 आ जाएगा और इसका तो 0 आ जाएगा. ठीक है, फिर आप सिमिलरली क्या करना है अगली बार में, r1 r3 रो को एजिटिव, तो r1 को एजिटिव, तो 0 पुट करने पे क्या आ गया, 0 2 0. और r2 का करोगे तो देखो cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस के 2 sin 2x, और बच्चों sin 2x में 0 पुट करने पे 0 आ गया, डाउट.
अगले में क्या आएगा 1 + 2x, तो 0 पुट करने पे क्या आ गया 1। अगले में माइनस e की पावर माइनस x तो माइनस बन जाएगा, और अगली रो एजिटी तो उसमें 0 पुट करने पे क्या आ गया 0 0 1। तो ये तो देखो एक कॉलम पूरा 0 तो 0 हो जाएगी उल्टा हो। और लास्ट थिंग की R1 R2 रो एजिटी, तो R1 R2 तो एजिटी लिखोगे तो 0 पुट करने पे 0 2 0 और अगला 1 0 1। R3 में पुट करते हैं, R3 का करो डिफरेंशिएशन तो 10 3x का 3 sec स्क्वायर 3x, तो 0 पुट करने पे आ गया 3। ln इसका करो तो ln का तो आ गया 1 - 2x / में और -2x का -2, और 0 पुट करने पे वैल्यू क्या बन जाएगी -k2। और लास्ट में क्या आ गया, ये आ गया 2x + 1, तो ये अगेन आ जाएगा आपका 1। बस ये तो 0 है, आप इन दोनों डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जो वैल्यू आंसर होगी वही आपका फाइनल आंसर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करना है क्वेश्चन को। चलो ठीक है, सॉल्व करना, इसको 0 आंसर आएगा शायद इसका। ठीक है चलो, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है कि आपको एक फंक्शन fx गिवन है, तो फंक्शन fx की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेके इसको फाइनल करना है। तो देखो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे अपन, एक ऑप्शन तो कि आप इसका डिफरेंशिएशन करके उसको 0 करो, उसके रिगार्डिंग कर सकते हो। और देखो सिंपल मेथड क्या है, इस fx को लिखो 7e^sin²x - देखो e^sin²x लिखो 1 - कोस कर को, और सेपरेट पावर करने पे क्या गया e^(e^sin²x + k2। अब आप देखो इसकी जो रेंज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, e^(sin²x) पे। तो एक काम करें, e^(sin²x) की रेंज क्या होगी, sin²x की मिनिमम वैल्यू 0 तो e^(0) तो 1 आ गया, और sin²x की मैक्सिमम वैल्यू 1 तो e^ बनेगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से e के बीच में लाई करने वाली है। तो देखो आप ब्लैक बोर्ड पे, जब आप इसकी मिनिमम वैल्यू लेके आनी है तो इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या आने वाला है, मिनिमम 1 लेने पे ये तो मिनिमम आएगा, पर कांस्टेंट अपॉन मिनिमम इज मैक्सिमम, लेकिन माइनस है, तो ये मैक्सिमम का मतलब माइनस मल्टीप्लाई होगा मैक्सिमम से, तो मिनिमम वैल्यू देगा आपको, है ना। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन कर नहीं सकते अपन, बट इसको क्यों कर सकते, क्योंकि मिनिमम पुट करने पर ये वाला पार्ट मिनिमम है, कॉन्स्टेंट अपॉन मिनिमम इज मैक्सिमम, ये कंप्लीट पार्ट आपका मैक्सिमम है, बट माइनस लगा दिया तो समथिंग माइनस मैक्सिमम इज मिनिमम बन जाएगा आपका। मतलब एफ मिनिमम की वैल्यू के लिए e^(sin²x) की मिनिमम वैल्यू पुट कर दो 1, तो ये पुट करने पे क्या जाएगा 7 - e + 2, दिस इज 9 - e, यस सर। और अगेन एफ मैक्स में क्या होगा, उल्टा एफ मैक्स में जब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू लोगे तो देखो क्या होगा, ये मैक्सिमम समथिंग अपॉन मैक्सिमम मिनिमम, और कॉन्स्टेंट में से मिनिमम माइनस करते तो आंसर अगेन मैक्सिमम, तो इसको e लेने पे क्या जाएगा 7e e/(e)1, तो 7e + 1, ये f मिनिमम और f मैक्स आ गया। दोनों वैल्यूज को पुट करके देख लो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 7 ऑफ मिनिमम, तो मिनिमम को 7 से मल्टीप्लाई करना तो 63 -k 7e + f मैक्स क्या है 7e + 1, 7e से 7e कैंसिल तो 64 का रूट आ गया 8, तो देन आपको इसकी वैल्यू क्या फिल करनी है 8। सिंपल क्वेश्चन था। चलो और उसके बाद सेक्स एंड डी का देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, σσσ1=2 कुछ नहीं करना, देखो पहले अंदर वाले सिग्मा को सॉल्व करते हैं, तो σi=1 से n एजिटिव, σj=1 से i एजिटिव, देखो k को 1 लोगे, सॉरी कुछ नहीं लेना, i=1 से j, तो 1 को k को 1 लेने पे 1 होगा, 2 लेने पे भी 1 होगा, 3 पे भी 1 होगा, और i लेने पे भी 1 होगा, मतलब सिग्मा 1 से i, 1 कितनी बार ऐड होगा i टाइम्स, तो ये तो आ गया i, और उसके बाद तो 1 लेने पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 और i पे i, तो 1 से लेके n का सम क्या होगा n(n+1/2), तो 1 से लेके i का सम i(i+1/2), तो क्या आ गया σi=1 से n i(i+1/2), और उसके बाद देखो क्या करो 1/2 तो आ गया बाहर, और ये क्या बन गया σi²+i, और 1 से n तक σi² का मतलब फर्स्ट n टर्म की स्क्वायर का सम, तो फर्स्ट n टर्म की स्क्वायर के सम का फार्मूला क्या लिखोगे 1/2 n(n+1) 2n+1/6 और प्लस σi की वैल्यू क्या होगी n(n+1/2) = 220।
तो अब आप कुछ नहीं करना है इसको, ये n into n plus 1 by 2 common लो, तो n into n plus 1 by 2 common लो तो क्या आ गया 1 by 4 n into n plus 1, तो ब्रैकेट में आ गया 2n plus 1 by 3 plus 1 equal to 220, तो देखो 3 को इधर शिफ्ट कर दो आप, तो क्या आ गया n into n plus 1 और ये आ गया 2n plus 4, तो n common लेने पे 8 2 cancel out हो जाएगा, तो आ गया n plus 2 और अपॉन में 6 आ गया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको हिडन डायस से देख सकते हो कि n की विच वैल्यू इज सेटिस्फाई, तो शायद इसमें n को जब आप 10 पुट करोगे, देख लेना आप घर पे जाके कि जो वैल्यू पुट करने पे सेटिस्फाई करेगी वही आंसर होगा, और ये n में क्यूबिक इक्वेशन तो हिडन डायस तो लगाना ही पड़ेगा। और देखो उसको हिडन डायस से इसलिए कर सकते हैं, 3 पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई ये लिख आना है, तो देखो उसको ऐसे लिख लो ना, ये कितना है 11 120 11 into 20 into 11 into 6, मैं इसको 3 consecutive नंबर में कन्वर्ट करने की ट्राई करता हूं, 6 220, तो देखो 11 को तो छेड़ नहीं सकते ना, तो अभी 11 तो आपका प्राइम नंबर है, तो देखो एक काम करो इस 20 में से 2 अलग कर दो, 10 अलग कर दो, और 2 अलग करने पे क्या गया 12 आ गया ना, हो गया ना n into n plus 1 n plus 2, तो n कितना जाएगा आपका, तो ये थोड़ा टेक्निक है, ऐसी टेक्निक आनी चाहिए कि पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट, 3 पॉजिटिव का प्रोडक्ट आपको ये लाना है, तो उसको 3 पॉजिटिव मिलाने की ट्राई करें आप, ठीक है, तो चलो इसका आंसर आपको 10 फिल करना है, ठीक है, उसके बाद फिनिश हुआ, चलो बेटा थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बाद में अपन।